So last yesterday we started a chapter that was the fourth chapter of second year chemistry, and that was p block elements. So तो कल पहली क्लास थी चैप्टर फोर की. तो चूँकि कुछ जो है वो न्यू स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो उस हवाले से रिपीटिशन कर देता हूँ कुछ टॉपिक्स की, देन फिर आगे फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो एक फ्रेश न्यू चैप्टर ही आपके पास चैप्टर फोर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो किस ग्रुप से किस ग्रुप तक के एलिमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं. ग्रुप 3A से लेकर 8A, 3A ग्रुप टिल 8A ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा. 3A ग्रुप से लेकर 8A ग्रुप तक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उनमें से किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट वाला वो हमेशा पी में एंटर करेगा, या P1, P2, P3, P4, P5, P6 इस तरह जाएगा. कभी भी S, D या F में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर S में एंटर करेगा तो वो S ब्लॉक एलिमेंट है, D में एंटर करेगा तो वो D ब्लॉक एलिमेंट है, F में एंटर करेगा तो वो F ब्लॉक एलिमेंट है, और P में एंटर करेगा तो वो P ब्लॉक एलिमेंट है. तो इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर फोर होता है हमारे पास सेकेंडरी केमिस्ट्री का, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें उन तमाम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A ग्रुप तक होते हैं पीरियोडिक टेबल के. ठीक है, उनमें हम 3A ग्रुप से बोरॉन को पढ़ते हैं, बोरिक एसिड बोरेक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के मेटलर्जी पढ़ते हैं, 4A ग्रुप से कार्बन के प्रोब्स पढ़ते हैं, लेड पिगमेंट्स पढ़ते हैं, 5A ग्रुप से नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, एक्वा रिजिया पढ़ते हैं, 6A ग्रुप से सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ते हैं, 7A ग्रुप से क्लोरीन गैस की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं. ये सब पढ़ा जाता है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो टॉपिक्स वगैरह जस्ट ये बता दिए. तो ये हमारा नाम है आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका. तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड बोरिक एसिड. तो सबसे पहले बोरिक एसिड होता है, कल जो क्लास में प्रेजेंट थे तो उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनका रिपीट होगा, बाकी जो आ जाएँ वो दोबारा से पढ़ लेंगे, मतलब वो नए सिरे से पढ़ेंगे. बोरिक एसिड किसे कहते हैं भाई, एसिड्स ऑफ बोरॉन. ठीक है, तो अभी मैं इसलिए आपको ये करा रहा हूँ कि आज मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट चैप्टर फोर जितना हो सके उतना मैं करवा दूँ, ताकि जो भी राइटिंग का काम हो ना, लिखने का काम, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ताकि हमारी चूँकि स्लाइड्स के थ्रू ना डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि 2 से 3 क्लासों के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें. ठीक है, वरना काफ़ी लंबा टाइम मैंने बताया आपको ले जाएगा, और जबकि हमें चैप्टर 10 और 11 भी करना है और बहुत सारे काम और करने. तो बोरिक एसिड किसे कहते हैं, बोरिक एसिड आर एक्चुअली द एसिड्स ऑफ बोरॉन. ठीक है, एसिड्स ऑफ बोरॉन, हर वो एसिड जिसके अंदर बोरॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं बोरिक एसिड. और बोरिक एसिड वीक लेविस एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, ये वीक एसिड्स होते हैं, तभी इनको आंखों में डाला जा सकता है. दैट्स वाई बोरिक एसिड्स को हम एज एन आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे. जब आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब आंखों में कोई जरासीम चले जाए, मतलब जर्म्स आ जाए ना आइज़ में, तो आइज़ रेड टाइप की हो जाती है, आशोप जिसको कहते हैं, या हम कहते हैं आँख आ गया. ठीक है, तो लोग काले चश्मे लगाए घूम रहे होते लोग, तो वो आशोप कहलाता, तो वो इसलिए होता है कि आंखों में इन्फेक्शन या आंखों में कोई जरासीम वगैरह अटैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आशोब आ जाता है. तो उसको जरासीम को हटाने के लिए और जल्दी रिकवरी के लिए क्या करते हैं, बोरिक एसिड आँखों में डालते हैं. तो ये इतना ज़्यादा लाइट, इतना वीक एसिड होता है कि आँखों में भी डाला जा सकता है, वरना तो हर वीक एसिड आँखों में नहीं डाला जा सकता. जैसे कि लीमू का रस है, वो भी वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड, बट आप इसको आइज़ में नहीं डाल सकते, वो आइज़ के लिए तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सिंपल सी बात है ना. लेकिन ये है इतना ज़्यादा वीक है कि नॉर्मली आइस के लिए भी कोई इतना नुकसानदार नहीं है. तो वीक लेविस एसिड है, लेविस एसिड सारे वीक होते हैं, लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता. लेविस एसिड किसे कहते हैं भाई, व्हाट इज़ द लेविस एसिड. एसिड के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड बेस के, नहीं पता किसी को पता कौन से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड और बेस के, विच आर द 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कौन बताएगा, नोबडी नोज़.
वो तो माशाल्लाह जेंट्री बैठी हुई है, एक आबादी बैठी हुई है, उसमें से तो बता दें कभी दो तीन बैठे होते तो चलो चलता था। नहीं देखो तीन कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के। एक हमारे पास कहलाता था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास कहलाता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, और एक हमारे पास क्या कहलाता है लेविस कॉन्सेप्ट। तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, मतलब तीन क्या चार हैं, ये दो तो मिलकर हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने मिलकर एक नज़रिया पेश किया था। तो ये आपने नाइन्थ क्लास में कभी पढ़ा होगा ऐसा नाम, कभी दिमाग को सूरत ठोकोगे ना याद आएगा यार हाँ कभी ना कभी स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा तो था। तो आर्हेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस तीन कॉन्सेप्ट हैं। आर्हेनियस क्या कहता था एसिड बेस के बारे में, आर्हेनियस बोलता था एसिड क्या होते हैं, जो एच प्लस डोनर होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डालने पर एक्वस सॉल्यूशन में जो भी कंपाउंड एच प्लस लिबरेट करता है वो एसिड है, ये आर्हेनियस ने कहा था। ठीक है, एक स्वीडिश केमिस्ट है आर्हेनियस। अच्छा बेस के बारे में उन्होंने क्या कहा था, बेस क्या होते हैं भाई, ओ एच माइनस डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस देगा वो क्या होगा भाई, बेस होगा। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, एच प्लस देने वाला एसिड है और ओ एच माइनस देने वाला बेस है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, इन्होंने प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था, प्रोटोन का कॉन्सेप्ट। उनके मुताबिक एसिड बेस अलग चीज़ थे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहते थे, एसिड क्या है भाई, एसिड है प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो एसिड है, और बेस क्या है भाई, बेस आर एक्चुअली प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेस है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट था लेविस का, लेविस कॉन्सेप्ट, साइंटिस्ट थे लेविस, उनका क्या कॉन्सेप्ट था एसिड बेस के बारे में, वो क्या कहते थे एसिड बेस के बारे में। उनके मुताबिक एसिड क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, और बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वो बेस होगा। और यही सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, और दुनिया भर में इसी लेविस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। इसी वजह से अमोनिया NH3 अगर आप देखते हैं, अगरचे अमोनिया के फॉर्मूले में OH नहीं है, उसके बावजूद अमोनिया के बारे में आप जानते हैं कि अमोनिया का बेसिक नेचर है। क्यों, क्योंकि अमोनिया के पास नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बोरिक एसिड की बात करें तो वो एसिड है, लेविस एसिड, क्यों, चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट कर सकता है। मान लें जैसे ये फार्मूला है ना हमारे पास बोरिक एसिड का BOH3, अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रहा बोरॉन, बोरॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल ऑफ बोरॉन, किस ग्रुप का है बोरॉन, थर्ड ग्रुप का है, तो थर्ड ग्रुप का है तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल में, दैट इज 1, 2, 3। ठीक है, तीन तरफ से ऑक्सीजन से मिल गया, ठीक है, और ऑक्सीजन से यहाँ से उसने बॉन्ड बना लिया, और हर ऑक्सीजन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, ये बन गया बी, इस स्ट्रक्चर को हमने इस फॉर्मूले में खोल दिया, ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि बॉन्ड बनने के बाद बोरॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आफ्टर द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद कितने हो गए, एक पेयर दो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दो दो चार दो छः, 2+2+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, किसी भी तरफ से दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, भले वो चाहे अमोनिया दे दे इसको, कर लेगा ना एक्सेप्ट वो दो इलेक्ट्रॉन। अब तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस के मुताबिक क्या होता है भाई, एसिड होता है। दैट्स वाई हम उसको कहते हैं कि ये लेविस एसिड, क्यों, चूँकि एच प्लस देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा था कि बोरिक एसिड एसिड कैसे,
आपके बच्चे कहते हैं सर इसके फॉर्मूले में तो OH आ रहा है, जिसके फॉर्मूले में OH आता है वो कैसे है? वो तो बेस होता है जैसे NaOH, KOH, ये कैसे एसिड हो गया इस फॉर्मूले में? तो इसलिए एसिड हुआ ये, चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकें, दैट्स वाई। बोरिक एसिड तीन तरह के होते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायराबोरिक एसिड, जिसको हम टेट्राबोरिक एसिड भी कहते हैं। कल सब कुछ लिखवाया था मैंने आप लोगों को। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला दोनों तरह से लिख सकते हैं, H3BO3 या BOH3। मेटाबोरिक एसिड होता है HBO2, और पायराबोरिक एसिड या टेट्राबोरिक एसिड कैसे कहते हैं? H2B4O7, ठीक है। तो ये तीन तरह के बोरिक एसिड होते हैं, एक ऑर्थोबोरिक एसिड, एक मेटाबोरिक एसिड और एक पायराबोरिक एसिड। तीनों ही बोरिक एसिड है, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले में आपको कहीं ना कहीं बोरॉन मिलेगा। बोरॉन कैपिटल बी से शो किया जाता है, मेटलॉइड है, एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। बात समझ में आ रही है? ये स्लाइड क्या चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस किया, ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं थी। देखो ये लेक्चर रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो आप जानते हैं, वो आपको मिल जाती है, इसलिए यूट्यूब पे भी मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। और साथ में ग्रुप जो है वो हम बनाते हैं व्हाट्सएप पर, और उसमें क्या करते हैं कि जो स्लाइड्स होती हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, नॉर्मली हर तरह की स्लाइड शेयर हो जाती है। तो मेन वही फोकस है, मेन फोकस है कि समझने पे फोकस होना चाहिए। कि मैं आज का मकसद ये है कि मैं आपको चाहता हूँ कि चैप्टर 4 आप वन शॉट में आप कंप्लीट कर सकें, वन गो में। जैसे 8 बजे तक एक लंबा लेक्चर है, 3 घंटे, चलो 2.5 घंटे भी बचते हैं तो कोई बहुत कम नहीं है, तो काफ़ी टाइम है, आराम से हो सकता है अगर थोड़ा सा आप अपनी अटेंशन को बरकरार रखें। तो लिखते हैं ना तो कि थकान होनी चाहिए, थकान होगी तो माइंड थकेगा, लिख सकते हैं लेकिन पॉइंट वाइज, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे भी स्लाइड में भेज दूँगा, ठीक है। बस अनमारी, और जो मैं स्लाइड में, अच्छा मार्कर से जो मैं लिख रहा हूँ वो स्लाइड में नहीं आएगा, वो आपको वीडियो में मिलेगा, तो आप वीडियो देख लेना। अगर आपको सिर्फ स्लाइड चाहिए तो वो स्लाइड में स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, मैं सबको भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये तो बोरिक एसिड के टाइप्स की बात मैं कर रहा था, अब आते हैं टॉपिक, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ बोरिक एसिड की, ठीक है। बोरिक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, और वाइट कलर के उसके ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स होते हैं। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स किस तरह के होते हैं? निडल लाइक सुई की तरह इसके क्रिस्टल्स होते हैं, सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होने की वजह क्या होती, कल मैंने बताई थी कि 3.15 एंगस्ट्रॉम इतना सेपरेशन होता है कंसेक्यूटिव लेयर्स ऑफ बोरिक एसिड में। बोरिक एसिड इस तरह से होता है ना कि मॉलिक्यूल्स की इसकी लेयर चल रही होती है ना, जैसे BOH3, और BOH3 की लेयर चल रही है, ये और यहाँ पर भी BOH3 है, मतलब यहाँ पर दो लेयर्स मैंने चला दी, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से जुड़े हुए आपस में, आगे जुड़े हुए। अब ये कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में देर इज़ अ गैप ऑफ 3.15 एंगस्ट्रॉम। इस गैप की वजह से क्या होता है कि ये इजी टू कंप्रेस होते हैं, दब जाते हैं, और ये कंप्रेशन होने की वजह से क्या हो जाते हैं बच्चों? ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। और निडल लाइक इसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हमारे पास, वाइट कलर का। और एक एंगस्ट्रॉम आपको पता है कितने मीटर के बराबर होता है, बताएं? हाउ मेनी मीटर्स? यस, एक्सपोनेंट -10 वर्लन, 10^-10 मीटर, और यू कैन ऑल्सो से 10^-8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर फॉर एंगस्ट्रॉम, बिकॉज देर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ना, सो इट इज क्वाइट ऑकवर्ड टू मेजर देम इन मीटर और सेंटीमीटर, बिकॉज दे आर सो स्मॉल, they are very small, that's why the terminology of angstrom has been made by the scientist, means to make thing very clear, to make things sensible, like wo kehte na 3.12 angstrom, 1.9 angstrom, to ye samajh mein aata hai. Ab 10^-10 bahut choti value hai, to uske bajaye hum atomic radius wagaira ke liye angstrom istemal karte hain, basic si baat hai. Sparingly soluble in cold water, readily soluble in hot water. ठंडे पानी में इतना हल नहीं होता ये, बट हॉट वाटर में
ज़्यादा तेज़ी से डिसॉल्व होता है। स्पैरिंगली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से या थोड़ा सा। स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, बहुत बार केमिस्ट्री में आ रहा है, फिर ये वर्ड देखेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली का मतलब होता है थोड़ा सा, स्पैरिंगली से ज़्यादा मतलब एक सिंपल वर्ड होता है स्लाइटली, स्लाइटली सॉल्युबल। और एक होता है रीडली सॉल्युबल, रीडली मतलब हाईली, मतलब ज़्यादा। तो ठंडे पानी में कम हल होता है और गर्म पानी में ये ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है। एंटीसेप्टिक होता है, आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया आँखों से जो जर्म्स वगैरह हैं, इन्फेक्शन है, उसको रिमूव करने के लिए, अगर अशोभ आ जाए आँखों में तो, रेड आइज हो जाए तो। अब बोरिक एसिड इज टाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, ये फेडरल बोर्ड से है, चूँकि जाहिर सी बात है कि एप्टीट्यूड के लेक्चर भी साथ साथ ही चल रहा होता है, तो ये FTB से फेडरल बोर्ड से पॉइंट है कि बोरिक एसिड इज टाइट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, कि अगर आप बोरिक एसिड को टाइट्रेशन कराइए, जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है ना, कोई भी एसिड ले सकते हैं, अगर टाइट्रेशन में अगर आप बोरिक एसिड लेंगे ना, तो उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की मौजूदगी में उसकी टाइट्रेशन करवाई जाती है। ये MCQs में आ सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में आ सकता है, ठीक है, MD कैट के लिए। ये सिंध बोर्ड से नहीं है, FTB है, बाकी ये सारा सिंध बोर्ड से। क्लियर है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको बोरिक एसिड की? मेन वर्डिंग से बस वो आपको रीडिंग करनी है उसकी, घर पे आप खुद भी रीड कर लेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे उसको, वैसा मुश्किल है। कुछ पूछना है? यस, क्लियर है, कल पढ़ा हुआ था, वैसे ये सब तो रिपीट हो रहा है, बस ख़त्म होने वाला है। और कुछ? नो इशू, ठीक है, घर पे इसको वर्डिंग्स को आप लिख लेने जाके, ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स भेज दूँ क्लास के एंड में। अच्छा, ये कल जो केमिकल प्रॉपर्टीज कर पाए थे ना, वो छुट्टी हो गई थी, आज कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बोरिंग एसिड, तो ये असल में केमिकल प्रॉपर्टी है एक तरह की बोरिंग एसिड की। बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीन तरह के रिएक्शन हैं मल्टीपल स्टेजेस के अंदर, 100 डिग्री पर अलग होगा, 140 डिग्री पर अलग होगा, 240 डिग्री पर अलग होगा, तीनों में अलग अलग रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अगर ये आपको पता है H3BO3, ये कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड तो है, बट कौन सा वाला है? ऑर्थो बोरिक एसिड। अगर इसको 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से, या एक वाटर का मॉलिक्यूल उससे रिमूव हो जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर यहाँ से आप रिमूव कर लो H2O, तो क्या बचेगा यहाँ से? H2O2 बच जाएगा सिर्फ, H2 यहाँ से निकाल दो, एक O यहाँ से निकाल दो, यहाँ क्या बचा? सिर्फ HBO2 बचा ना, HBO2 बचा। अगर इससे H2O निकाल लो तो समझ में आ रही है मेरी, तो HBO2 बन जाएगा 100 डिग्री पर हीट करने पर। HBO2 क्या होता है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड मेटा बोरिक एसिड। अब अगर इस मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री पे हीट करो सेकंड स्टेज पे, अब देखो अगर यहाँ पे 4 अगर ना निकलो थोड़ा सा, क्या वाटर निकल सकता है इससे? H2 HBO2 से वाटर निकाल सकते हैं? H2O निकल ही नहीं सकता, H2 हाइड्रोजन तो आ ही नहीं। होगा क्या, 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आएंगे और 4 मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे सिर्फ, -H2O। अब जब एक वाटर निकल गया तो ये H2 हो गया, ये B4 हो गया, और ऑक्सीजन 8 था, एक ऑक्सीजन निकल गया तो 7 हो गया, तो H2 B4 और 7 बच गया। ट्रिक समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ, कि 4 आए मिलकर ना, तो 4 जब मिलकर आए तो क्या हो गया, ये H4 B4 O8 हो गया ना ये, और जब इसमें से H2O निकाल दिया, अगर तो हीट कर है ना, हीट करें तो पानी निकलेगा भाप बन के, तो H2 निकला और एक O निकला, तो H2 B4 O7 बना। क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका? पायरोबोरिक एसिड या टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड क्यों कहते हैं? देयर आर 4 बोरोन एटम्स। अब H2B4O7 को और हाई टेम्परेचर हीट करें, 240 डिग्री पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाएगा, तो क्या
लेकिन ये बी फोर ओ सिक्स कुछ नहीं होता, ये दो फिर ये बी फोर ओ सिक्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, बी टू ओ थ्री। इसको आधा करोगे तो क्या होगा, हाफ करो बी टू ओ थ्री, तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे बी टू ओ थ्री के। बी टू ओ थ्री किससे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बोरिक ऑक्साइड। तो बोरिक ऑक्साइड बन के यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हंड्रेड डिग्री पे पहले वो क्या करता है, बनता है मेटाबोरिक एसिड, फिर अगर और टेम्परेचर हीट करो 140 डिग्री तक हीट कर दोगे तो बन जाएगा पाइरोक्साइलिक एसिड, 30 डिग्री तक हीट कर दोगे मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो वो सारा वाटर के वो बोरिक ऑक्साइड में मतलब बी टू ओ थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बस ये रिएक्शन तीनों, रिएक्शन ऑफ हीट, जब बोरिक एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो मसला इसमें क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। बोरेक्स का टॉपिक हमारे पास है, बोरेक्स। बोरेक्स किसे कहते हैं, बोरेक्स सेकंड टॉपिक है, ये अलग है। बोरिक एसिड ये एक सॉल्ट है असल में, बोरेक्स क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड क्या, एक सॉल्ट है। टेट्राबोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, H2B4O7 होता है, इसका हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दें इसमें तो ये सॉल्ट बन जाएगा NO2B4O7, और ये बन जाएगा सॉल्ट किसका, टेट्राबोरिक एसिड का या पायरोबोरिक एसिड का, जिसको हम लोग कहते हैं बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स का बहुत सारा नाम है, बोरेक्स को हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कह सकते हैं, बिकॉज सोडियम के साथ B4O7, ये जो B4O7 माइनस टू आयन होता है इसका लोग बोलते हैं टेट्राबोरेट आयन, दिस इज टेट्राबोरेट आयन, टेट्राबोरेट इसको हम कह सकते हैं। इसी का अगर मिनरल फॉर्म में जमीन से निकलता है तो उसको बोलते हैं टिंकल, टिंकल भी इसी को कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है ना इसी को हम उर्दू में कह सकते हैं, कल बताया था आपको सुहागा, सुहागा इसी को कहा जाता है। ये वो सुहागा एक वो पाउडर है जो सोने पर लगाते हैं, है ना, जब भी उर्दू का मुहावरा आया सोने पे सुहागा, तो सुहागा, टिंकल, सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स, Na2B4O7, एक ही चीज़ के कई नाम हैं, है सब एक ही चीज़, ठीक है। उसके अलावा भी इसका इस्तेमाल है, फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसको सोल्डरिंग के लिए, कभी आपने वो देखा है सोल्डरिंग करनी आती है किसी को, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किसी को करना आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं करना आता किसी को, मतलब कुछ चिप चेन लगानी है किसी सर्किट में, आता है किसी को, या सर्किट से चिप निकालनी है, किसी को नहीं आता, कभी करते हुए देखा किसी को ऐसा काम, कुछ कभी ज़िंदगी में किसी को देखा है चिप लगाते हुए या निकालते हुए, मोबाइल की रिपेयरिंग करते हुए देखा है कभी किसी को, आज तक मोबाइल खोल के रिपेयर करते हुए देखा है किसी को सर्किट में, उसको उनके पास एक आयरन होता है वो देखा है, उसको उर्दू में कुछ बोलते हैं पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा, आयरन को उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं, वो काया, काया आयरन भी बोलते हैं, काया भी बोलते हैं, तो वो गर्म हो रहा होता है, लगाओ तो वो बहुत गर्म होता है, हाथ लगाओ तो हाथ जल, उससे वो क्या करते हैं टाका खींच के, मतलब वो जो होता है ना उससे वो लगाते जाते हैं, तो उसको खींच कर जो ख़राब फॉल्टी चिप होता है वो निकाल लेते हैं। फिर उसके साथ उनके पास एक छोटी सी डिबिया भी रखी होती है, उसमें ब्राउन कलर का कुछ होता है, उसको बरोदा बोलते हैं, तो वो उसके अंदर ना उसमें आयरन को डुबाते हैं, उसके बाद उसमें डुबाते हैं ना सब साफ़ करने के लिए, बार बार उसमें डुबा रहे होते हैं वो, कभी देखा है ब्राउन कलर का छोटा सा गोल से डिबिया में होता है वो, नहीं देखा कभी, नहीं नज़र नहीं पड़ी, चलो वो फ्लक वो भी बोरेक्स होता है असल में, वहाँ पर भी इस्तेमाल है बोरेक्स का, उसको फ्लक्स कहा जाता है। चलो पिक्चर आगे तो दिखा दूँगा उसमें, तो सोडियम टेट्राबोरेट या टिंकल या बोरेक्स, इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको कोलमेनाइट से हासिल किया जाता है, कोलमेनाइट खुद एक मिनरल है जिसका फार्मूला है Ca2B6O11.5H2O। जस्ट आप इस फार्मूले को याद रख लेंगे, कोलमेनाइट Ca2B6O11,
मतलब पेपर में एग्जैक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ये एक बेसिक सॉल्ट है, चूँकि पानी में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, Na2B4O7 जब पानी में डालेंगे तो NaOH मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, दैट्स वाई ये एक बेसिक सॉल्ट है। बोरेक्स इज यूज टू मेक हार्ड ग्लास, बोरेक्स से हम हार्ड ग्लास बना रहे होते हैं, जैसे पायरेक्स एंड जीना एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह भी बना रहे होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स भी बनते हैं इससे। तो पायरेक्स और जीना वो हार्ड ग्लास होता है, हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है ये। जैसे आप पायरेक्स जो है ना उसका ब्रांड नेम है, पायरेक्स और जीना ये दोनों ब्रांड नेम है। जब भी आप देखोगे ना बीकर वगैरह जो कॉलेजेस में होते हैं तो उसमें पायरेक्स लिखा हुआ होता है, PYREX पायरेक्स, तो उसका मतलब है हीट रेजिस्टेंट, जितना भी हीट कर दो ना वो टूटता नहीं है, वो कितना हीट करते हैं आप उसको स्प्रिट लैम्प पे लगे भूल जाते हैं, वो अपन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया वो काला हो जाएगा वो पूरा फुल, लेकिन टूटेगा नहीं वो। तो वही वो अलग ग्लास होता है, वो पायरेक्स ग्लास होता है, बोरेक्स से बनता है, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे बोरेक्स के वाले से। तो फिर से मैं बता दूँ कि बोरेक्स के अलग अलग नाम याद रखें, ये बोरेक्स है, यही टिंकल है, यही सुहागा है और यही सोडियम टेट्राबोरेट है। इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर लगा हुआ है। किससे बनाया जाता है, कोलोमेनाइट से बनाते हैं। कोलोमेनाइट क्या होता है, Ca2B6O11 होता है, .5H2O बेसिक सॉल्ट है ये, और इससे हम हार्ड ग्लास बनाते हैं जिसको हम पायरेक्स ग्लास या जीना ग्लास कहते हैं। तो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है, मतलब कितना भी हीट कर लो टूटेगा नहीं उस, मतलब वो टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है, इस स्लाइड में कोई मसला, इस स्लाइड में याद हो जाएगा अभी आराम से, पॉइंट का इतना मसला नहीं है, इसको आप छोड़ दो याद, बस ये सारे पॉइंट्स को पता लग गए। क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं, आगे बढ़े। तो बोरोन का टॉपिक ख़त्म हो गया, एक एलिमेंट ख़त्म हो गया चैप्टर 4 से, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्युमिनियम, ठीक है। तो अब एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम की मेटलर्जी है वो सबसे मेन है बच्चों। एल्युमिनियम आपको पता है, एल्युमिनियम भी हमारे पास एक मेटल है, AL इसका सिंबल होता है, AL इसका सिंबल होता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बारे में सबसे ज़रूरी बात कि वैसे पहली बात तो ये कि एल्युमिनियम मेटल है, कैसे पहचानते हैं, नाम देख के पहचान सकते हो कि ये मेटल है? क्या मेटल को उसके नाम से पहचाना जा सकता है, कैसे बताएं? यस UM आता है, बिल्कुल UM जब भी आएगा एंड में किसी भी एलिमेंट के नाम में, तो दैट इज कॉल्ड अ मेटल। एल्युमिनियम मेटल है, सोडियम पोटेशियम सब मेटल है, तो एल्युमिनियम एक मेटल है। और ऐसा वैसा मेटल नहीं है भाई, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इस जमीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेटल मौजूद है, इस जमीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेटल मौजूद है वो हमारे पास कौन सा है, एल्युमिनियम। मेटल उससे ज़्यादा कोई नहीं है। एबंडेंस मैंने आपको बताया, आप हर जगह अलग अलग तरह से याद रखेंगे, एबंडेंस में लाजमी MCQs बनते हैं आपके। सेकेंडरी में भी आपको पता है, अगर आप सेकेंडरी में हैं तो 40% MCQs आएंगे, और एप्टीट्यूड में तो फुल MCQs ही आते हैं, ठीक है। तो MCQs हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स के लिए भी और एप्टीट्यूड के लिए भी, दोनों के लिए। इसलिए ज़्यादातर बच्चे कराची के इस वक्त MCQs के लिए परेशान है। कोई बच्चा मुझसे नहीं कह रहा सर सेक्शन बी और सी में बताइए क्या आएगा, सब बोले सर MCQs बताइए कहाँ से करें। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये तो आप तो सबसे मुश्किल कर दिया आपके लिए। शुरू के वक्तों में जब 17 MCQs आते थे ना तो टेंशन नहीं होती थी सेकेंडर के एग्ज़ाम से, मतलब पता रट के मार के चले गए, MCQs हैं 17 हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके, हाँ। लेकिन ये 40% MCQs को तुक नहीं बनती है, मतलब हमारा बच्चा इस लायक नहीं है ना, क्यों दे रहे हो आप उसको? हमारा बच्चा रट्टा ही लगाता है, याद करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करता है। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, बचपन से हमने ऐसे ही पढ़ा है पाकिस्तान में रहते हुए, और आप हमें अंग्रेज़ बना रहे हो 40% MCQs, मतलब हम इस लायक नहीं है, सिंपल सी बात है। वो बच्चों को देख के समझता चेहरे पे 12 बजे में सबके, वजह यही है MCQs आप नहीं कर सकते ना, रट के कैसे करेंगे MCQs? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर होगा।
ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अबंडेंस याद रखनी है भाई, एक एमसीक्यू अबंडेंस का बनेगा तो बनेगा लास्ट में। अबंडेंस से मुराद कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। चलो आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। यूनिवर्स में, इस कायनात में, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। यस नवीर यू आर राइट, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, नंबर वन पे हाइड्रोजन फर्स्ट है। और सेकंड कौन सा है? हीलियम सेकंड है, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो, क्योंकि स्टार्स आर मेड अप ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, तारे इसी से बनते हैं। अब यूनिवर्स के बाद अगर हम अर्थ में आए, अर्थ में भी आए तो जैसे कि अगर हम अर्थ के एटमोसफियर में, जिसको हम एयर कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। गुड, नाइट्रोजन दिस इज 78%, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड नंबर पे, सेकंड पे कौन सा? ऑक्सीजन ही होगा और क्या होगा। ऑक्सीजन दिस इज 21%, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, अच्छा अर्थ की अगर बात करें, अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है भाई? अर्थ में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है पहले नंबर पर? नहीं, अर्थ से मुराद पूरी दुनिया में। अब अर्थ से मुराद जब अर्थ कहा जाए तो यहाँ लैंड प्लस वाटर दोनों की बात कर दी जा रही है। अर्थ में तो दो चीज़ें हैं ना भाई, अब समंदर भी तो अर्थ का ही पार्ट है ना, या अर्थ का पार्ट सिर्फ खुश्की है, ऐसा तो नहीं है। और लैंड 25% है और पानी 75% है, तो जो इस पानी में सबसे ज़्यादा होगी वही अर्थ में सबसे ज़्यादा है। H2O के अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन, या सीओ, इस तरह से दिमाग लगाना है। हाइड्रोजन आ गया फर्स्ट पे, और सेकंड पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। हाँ लेकिन अगर आपसे बोले ना अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बोल दिया गया, अब ये सतह ज़मीन, अब ज़मीन पे आना पड़ेगा, अब पानी की बात नहीं करेंगे, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम नहीं है, मैं वहां पर मैंने लिखा मोस्ट अबंडेंट मेटल, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल नहीं है बल्कि नॉन मेटल है। कौन सा? ज़मीन पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ा हुआ है? बाहर जाओगे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या मिलेगा? सैंड ही मिलेगा या सोने चांदी मिलेगा? गोल्ड गोल्ड फेंका हुआ है या फिर सिल्वर फेंका हुआ है, डायमंड फेंका हुआ है, ऐसा या रेत मिट्टी मिलेगी? तो सबसे ज़्यादा ज़मीन में रेत है। रेगिस्तान चले जाओ तो इतना रेत है कि ख़त्म ही ना हो। सारा डेजर्ट चले जाओ, थर चले जाओ, रेत ही रेत है। सही बात है। तो रेत, रेत का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया? एलिमेंट बताओ, ऑक्सीजन। और सेकंड नंबर पे सिलिकॉन हुआ ना, SiO, और क्या हो? सिलिकॉन हुआ। और थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम, लेकिन ये हमारे पास एक नॉन मेटल है, ये हमारे पास एक मेटलॉइड है, और ये हमारे पास है मेटल। तो अगर तुमसे अब ये पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, अब एल्यूमिनियम होगा। तो मोस्ट अबंडेंट में देखना पड़ता है किस पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है। भाई बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, अब हमें क्या पता भाई कहाँ पूछ रहे हो कौन सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, यूनिवर्स में, अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में, एटमोसफियर में, कहाँ पर, उसके लिहाज से बताएं। ठीक है, तो MCQs में आपको पूरा डिटेल दिया होता है, फिर आपसे पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा बच्चे पता है इसका आंसर, लो आयरन लिख देते हैं, बच्चे लिखते हैं आयरन ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, और उनका लॉजिक भी सही होता है, लिखने का लॉजिक गलत नहीं होता भाई। आयरन और एल्यूमिनियम में से, दोनों में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है दुनिया में, जिससे चीज़ें बनती हैं? लोहे से कि एल्यूमिनियम से? लोहे से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। रेट के लिहाज से बात करें, दोनों में से सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, एल्यूमिनियम और आयरन में से? किसी को पता है? आयरन सस्ता है, एल्यूमिनियम महंगा है, एल्यूमिनियम की हर चीज़ महंगी होती है।
ये तो सप्लाई एंड डिमांड रूल के खिलाफ हो गया इकोनॉमिक्स के भाई, जो चीज़ दुनिया में ज़्यादा पाई जा रही है जिससे इसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसके रेट कम होते हैं। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मैं लेक्चर पूरा डाला हुआ एक है करेंसी के ऊपर, ये कॉमर्स वाले पढ़ते हैं बट हर बच्चे को पढ़ना चाहिए सप्लाई डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड देखो, सर्दियों का मौसम है, इस तरह से बनाना है और एप्पल है, अब बनाना है और एप्पल है, अब बनाना सस्ता है और एप्पल महंगा है। अब एप्पल के महंगे होने की वजह ये थोड़ी ना है कि एप्पल का रंग बहुत अच्छा है, प्यारा सा है, और बनाने का कलर ही अच्छा नहीं इसलिए उसको सस्ता कर दिया, नहीं। एप्पल इसलिए महंगा हो गया सर्दी में चूँकि एप्पल की जो प्रोडक्शन है ना वो पूरी नहीं हो रही है, सप्लाई कम है उसकी और डिमांड ज़्यादा है। और सर्दियों में बनाना के साथ क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम होती है, रेट क्या होता है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, ऐसे ही होता है ना भाई। सर्दियों में 20 रुपये दर्जन भी कोई नहीं पूछता, और अभी 150 रुपये भी नहीं मिलेगा आपको दर्जन केला के, ऐसे ही होता है। तो यही रूल यहाँ पर फेल हो जा रहा है। अब सप्लाई ज़्यादा किसकी है, एल्युमिनियम की कि आयरन की? सप्लाई ज़्यादा किसकी हो रही है, ज़मीन से ज़्यादा क्या निकल रहा है? एल्युमिनियम। तो रेट कम किसका होना चाहिए? एल्युमिनियम का, लेकिन रेट है कम किसका रियल में? आयरन का। ऐसा क्यों? नहीं समझ में आ रही बात, क्या कह रहा हूँ? आयरन ज़्यादा निकल रहा है ना ज़मीन से, तो ये ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। डिमांड कौन कह रहा है डिमांड कम है, बेहतरीन है। आज अगर एल्युमिनियम सस्ता हो जाए ना, दुनिया की हर चीज़ एल्युमिनियम की बन जाए। एल्युमिनियम की सबसे बड़ी खासियत कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं लगता। बात ही खत्म हो गई। कितना पेंट बच जाएगा तुम ये सोचो, तुम्हारी जिंदगी से कलर ही बच गया सारा। कितना नुकसान होता है लोहे का सिर्फ जंग लगने की वजह से, दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए का लोहा जाया हो जाता है दुनिया से, इसको जंग ही नहीं लगेगा। एल्युमिनियम तो सप्लाई भी तो ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ। ये सप्लाई इसकी प्योर फॉर्म में नहीं है, अब मुझे समझ लें। ज़मीन के अंदर से एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा कि ज़मीन खुदाई की और एल्युमिनियम का पूरा खिड़की निकल गया, कहीं खुदाई की तो एल्युमिनियम का पूरा एक BMW निकल गया बना हुआ, दूसरी जगह से फरारी निकल जा रही है, किसी जगह खुदाई की तो लैम्बोर्गिनी निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब नहीं होता, ज़मीन से निकलता पत्थर ऐसे अजीबोगरीब किस्म के, इनको क्या कहा जाता है? ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली द कंपाउंड्स ऑफ मेटल, ये मेटल्स के कंपाउंड होते हैं। ज़मीन के अंदर से मेटल कंबाइंड स्टेट में निकलता है, एल्युमिनियम नहीं निकलेगा बल्कि निकलेगा Al2O3। लोहा ज़मीन से डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा कि खुदाई की और लोहे का दरवाज़ा पूरा मेन गेट निकल गया और जाके घर पे लगा दिया, ऐसा तो नहीं है कि खुदाई की और रॉकेट निकल गया ज़मीन से, कहीं खुदाई की तो आईफोन निकल गया बना बनाया, नहीं। रॉ मटेरियल निकलता है, पत्थर निकलता है, कभी अगर आपने देखा होगा उसको रिफाइन करते हैं। तो ओर जो है ना हमारे पास वो कंपाउंड होता है मेटल्स का, ठीक है। जैसे आयरन में क्या निकलेगा? Fe2O3 निकलेगा, Fe नहीं निकलेगा कभी भी। अब इस Al2O3 में से Al को अलग करना है, इस Fe2O3 में से Fe को अलग करना है, इसके लिए चाहिए होता है प्रोसेस, और एल्युमिनियम को रिफाइन करने का प्रोसेस महंगा है, आयरन को रिफाइन करने का प्रोसेस सस्ता है, दैट्स वाई ये मार्केट में सस्ते रेट में अवेलेबल है। अब समझ में आया क्या आंसर है इसका? एल्युमिनियम इसलिए महंगा है कि एल्युमिनियम को रिफाइन करने का प्रोसेस महंगा है। मिल तो बहुत रहा है बट रिफाइन ही नहीं होगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। बस समझ में आ गई, क्योंकि इस तरह से लेके तुम क्या करोगे? ऐसे आगे चलो, एल्युमिनियम थोड़ी ना, इसके अंदर से एल्युमिनियम निकालना होता है। तो सही बात समझ में आ गया। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्युमिनियम के टॉपिक में, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ओर्स। तो एल्युमिनियम के ओर्स, ओर्स क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, पत्थर की सूरत में निकलते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ओर्स आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। क्योंकि ज़मीन के अंदर मेटल जो है ना दबे दबे वो कंपाउंड की सूरत अख्तियार कर लेता है। अच्छा, ज़मीन में आया कहाँ से? ये भी एक सवाल होता है, ज़मीन में आया कहाँ से? मतलब कौन ऐसा सखी इंसान था किसी दुनिया में कि उसने गड्ढा खोद के सारा मेटल दफना के ऊपर से मिट्टी डाल के मर गया, उसके बाद दुनिया आज तक मेटल निकाल ली? आया कहाँ से? मिनरल्स से
कैसे खुद? ये कैसे, ये कैसा जवाब है? सुपरनोवा सुना है कभी? सुपरनोवा कभी वर्ड सुना? सुपरनोवा नहीं सुना, सुपरनोवा का वर्ड नहीं सुना कभी? आसमान में बहुत तरह के तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है रेड सुपर जाइंट, उनको कहा जाता है रेड सुपर जाइंट। जब वो फटते हैं ना धमाके से, अच्छा जो रेड सुपर जाइंट होते हैं उनके सेंटर में मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स, सारे जितने मेटल्स होते हैं उनके सेंटर में होते हैं, उनके मरकज में होते हैं स्टार्स के। जब स्टार अपनी लाइफ पूरी कर लेता है तो धमाके से फट जाता है, और जब वो धमाके से फटता है तो उसके अंदर जो कोर में डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो स्कैटर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाकर गिर जाते हैं। तो इंसानों की आमद से पहले, आदम अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले, कोई ऐसा तारा आसमान में फटा होगा, साइंस ये कहती है, जिसकी वजह से उसके कोर में से मेटल ज़मीन में आके गिरे होंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी आ गई होगी, और देन वो जो मेटल है ना वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन वगैरह के साथ कोर में कन्वर्ट हो गया होगा, जिसको हम निकालते हैं। ये है कॉन्सेप्ट साइंस का, इस तरह से मेटल ज़मीन में आया। इस्लाम भी इसको साबित करता है, कुरान पाक के अंदर एक सूरह है सूरह हदीद के नाम से, अल हदीद, हदीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है लोहा। हदीद का मतलब ही होता है लोहा, गुलशन है हदीद इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ स्टील मिले, तो हदीद का मतलब होता है लोहा। उसमें अल्लाह ताला कहता है कि और अल्लाह ने आज, उसमें तर्जुमा बता रहा हूँ कि और अल्लाह ने तुम पर आसमान से लोहा नाजिल किया जिसमें इंसानों के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आसमान से लोहे को नाजिल किया, मतलब आसमान से लोहा गिरा है ज़मीन पर। तो कुरान पाक भी यही बात बताता है, और जो ये आयत आ रही है ना, ये नंबर आयत नंबर 56 है ये, या इस सूरह की, और 56 ही जो है ना वो आपका एटॉमिक मास है इसका, आयरन का। तो ये एक साइन, डेट्स वे कुरान पाक को नुस्खे कीमिया कहा जाता है, सो नुस्खे कीमिया कहा जाता है। नहीं अब अभी तक तो फिलहाल, अब जैसे कोई तारा भी नहीं फटता, मतलब बहुत टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगती है, मतलब जब से इंसान आया है उसके बाद से, आदम अलैहिस्सलाम से अब तक तो मैंने कोई और, हमने कोई और स्टार फटते हुए नहीं देखा। एक स्टार है जिसका नाम है बिटल जूस, आसमान में दिखता है ओरायन कॉन्स्टेलेशन में, बिटल जूस कहते हैं उस तारे को। वो तारा फटने वाला है, करीब है फटने के, बिल्कुल एंडिंग लिमिट में, बहुत जल्द फट जाएगा, लेकिन बहुत जल्द फट जाएगा तारे की अपनी लाइफ के लिहाज से, और वो बहुत जल्द फटने से मरा, उसको फटने में 100,000 साल है अभी, 100,000 ईयर। अब आप बोलेंगे सर ये तो मजाक कर दिया, प्रैंक कर दिया अब हमारे साथ, 100,000 साल बाद फटेगा, हमें लगा कल फट जाएगा। हमारे, हम जो इंसान हैं 60-70 साल की ज़िंदगी जीते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बट तारों की ज़िंदगियाँ करोड़ों सालों की होती हैं, उनके लिए 100,000 साल तो एक सेकंड जैसा है ना, तो वो करीब है फटने के। अगर इंसान बने, इंसान यहाँ पर रहा तो वो देखेगा उस तारों को फटता हुआ, बहुत तेज़ शोले से फटेगा वो, आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे, इतना तेज़ रोशनी उसकी होगी, फिर दोबारा शायद आकर मेटल गिरे दोबारा ज़रूर का। स्टार टूट के नहीं गिरते हैं असल में ना, वो तो टॉपिक डेविएट हो रहा है, बट इसके बाद दूसरा सवाल नहीं करना, ठीक है? तो स्टार्स असल में टूट कर नहीं गिरते, तारा कभी नहीं टूट कर गिरा हमारे जानने में फ़िलहाल, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तो कोई तारा टूट कर नहीं गिरा फ़िलहाल, हमारी तारीख में अब तक हमने नहीं देखा कभी, मेरी तारीख क्या किसी भी तारीख में नहीं देखा हमने, ना आपने देखा होगा। फिर भी टूटता तारा एक होता है, कि सर टूटता तारा तो होता है, शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं, विशिंग स्टार भी कहते हैं हिंदू उसको, देख कर प्रार्थना करते हैं, भाई देखो आग बंद करके विश करो, विश स्टार पूरी हो जाएगी प्रार्थना आपके, सुना है फिल्मों में बताते हैं। ये तो सर, ये तो टूटता तारा है, वो देखो टूटता तारा जैसे नहीं बोलते, तो वो टूटता तारा नहीं होता, वो एक पत्थर होता है असल में, वो आपको पता ही होगा। असल में प्लैनेट्स है ना, मरकरी वीनस अर्थ है, मार्स है, फिर जुपीटर है, तो मार्स और जुपीटर के बीच में एक पूरा बेल्ट है जिसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। इसमें छोटे बड़े बहुत सारे पत्थर हैं जो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, बहुत बहुत बड़ा बेल्ट है ये। आपने वो कंप्यूटर में गेम खेला होगा चिकन इन्वेडर खेला है गेम, चिकन वो मारना होता है उससे, उसमें वार्निंग आता है एस्ट्रॉइड, देखा है एस्ट्रॉइड वार्निंग, पत्थर आते हैं बहुत सारे इधर इधर से बड़े छोटे, तोड़ना होता उसको, तो वो कब आता है जब मार्स आप पार करके जुपिटर जा रहे होते हैं, तो सोचा बचपन की यादें याद आ जाएगा, ठीक है? तो एस्ट्रॉइड वो एस्ट्रॉइड होता है, एस्ट्रॉइड
सन के गिर्द घूमता रहता है, लेकिन वो स्टार घूमते घूमते करोड़ों की तादाद में, करोड़ों के कुछ इतने बड़े भी हैं, मतलब कुछ इस बड़े साइज के भी हैं, मेरे हाथ के इतने बड़े, और कुछ इस पूरे बिल्डिंग के इतने बड़े भी हैं। हर तरह के एस्ट्रॉयड अर्थ में आते हैं, छोटे ज़्यादातर छोटे छोटे आते हैं, कभी बहुत बड़ा भी आ जाता है, जब बहुत बड़ा आ जाए जैसे इस पूरे बिल्डिंग के इतना बड़ा, वो आके जब ज़मीन पर टकरा जाए तो जैसे डायनासोर फना हो गए एस्ट्रॉयड के टकराने से, वो भी हो जाता है। छोटे छोटे तो आते ही रहते हैं, छोटे पत्थर आते हैं जब वो ज़मीन में दाखिल होते हैं ना ज़मीन के, तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं, इट सपोर्ट्स कम्बस्टन, जलने में मदद देती है, तो वो क्या होता है, जलना शुरू कर देता है, और जलते जलते ज़मीन पाने से पहले ही राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो वही जो जलते हुए जब ज़मीन की तरफ आ रहा होता है ना, तो वो ट्रेल टाइप का दिख रहा होता है, और आप उसको बोलते हैं टूटता तारा, लेकिन वो टूटता तारा नहीं होता, वो एक एस्ट्रॉयड होता है जिसके पीसेस अर्थ में आए होते हैं। पुराने ज़माने में जब लोगों को साइंस का इतना नहीं था ना, तो उसको टूटता तारा कहा करते थे। क्लियर है, ये आपका थोड़ा वीक है एस्ट्रोनॉमी से। चलो छोड़ो टॉपिक, अब एक्स्ट्रा सवाल नहीं इस पर को, ठीक है। एल्युमिनियम, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ज़मीन में आया कैसे एल्युमिनियम, क्या की रीज़न था। बहुत चीज़ एल्युमिनियम से बनाते हैं, एल्युमिनियम की खिड़कियाँ दरवाजे बहुत कुछ बनते हैं। एल्युमिनियम के ओर से याद रख लें, सिलिकेट ओर, एल्युमिनियम के बहुत सारे ओर हैं, इनमें से फर्स्ट हमारे पास ओर है बेटा कौन सा, सिलिकेट ओर। सिलिकेट ओर से क्या हो रहा है, वो ओर जिसके अंदर SiO2 सिलिका मौजूद हो, जिसके फॉर्मूले में SiO2 होगा वो सिलिकेट ओर है। तीन याद रखें, काओलिन, मिका, फेल्सपार, फॉर्मूला नहीं याद रखना, जस्ट नाम याद रखें, काओलिन, मिका, फेल्सपार। ये काओलिन है, इसी को हम लोग कहते हैं चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे बनाए जाते हैं ना, चीनी मिट्टी के पुराने वक्तों में होते थे, भारी भारी, उठाओ तो हाथ ही दुख जाए, अभी वो ऐसे पड़ा रहता है घर पर, उसको उठाते नहीं इतना आराम से। मिट्टी के बर्तन देखे होंगे ना, चीनी मिट्टी के, तो वो चाइना के लिए होता है। चाइना डिश देखा होगा आपने, एवोपरेशन के लिए एवोपरेटिंग डिश तो देखा है ना, चाइना डिश, तो वो भी चाइना किले का बना होता है, टूट जाता है गिर के, टीचर बोलती है पैसा निकालो। तो एवोपरेटिंग डिश जो होता है वो सब किससे बनता है, इसी काओलिन से। काओलिन क्या है, इस तरह का पत्थर होता है, उसको फिर हम उसको डिफरेंट शेप्स दे देते हैं अलग अलग से। तो ये एक तरह का एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम कंटेन करता है ये, और सिलिकेट ओर से मुराद ये कि इसमें एल्युमिनियम के साथ सिलिका भी होगा। मिका, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर से क्या मुराद है, कि इससे कटआउट्स वगैरह बनाते हैं। कटआउट देखा है, चलो छोड़ दे, कटआउट तो नहीं देखा होगा, फेस पाउडर देखा होगा, चेहरे पर लगाते हैं फेस पाउडर, फेस पाउडर मिका से बनते, इसी को पीस देते हैं, लिखा हुआ भी होता है मिका पाउडर, MIC है, तो इसी से बने, इसको पीस के बना देते हैं, मिट्टी होती है और क्या होता है। दूसरा होता है, तीसरा है फेल्सपार। फेल्सपार से क्या बनाती है, अलग अलग कलर पे होता है ये, इससे बनाते हैं हम लोग टाइल्स, टाइल्स होते हैं ना, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन में टाइल्स वगैरह लगते हैं ना, वो टाइल्स इससे बनते हैं फेल्सपार से। तो ये सिलिकेट और एल्युमिनियम के तीन, ठीक है, काओलिन, मिका, फेल्सपार। काओलिन चाइनीज वर्ड है, काओलिन मतलब चाइना के लिए। क्लियर है वो मसला, आगे बढ़े, पिक्चर्स मैंने डाल दी ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है फ्लोराइड ओर। फ्लोराइड ओर से क्या मुराद है, कि इस ये एल्युमिनियम का ऐसा ओर है जिसके अंदर फ्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन मतलब जिसके अंदर F होगा, फ्लोरीन होगा इसके फॉर्मूले में। जैसे ये देखें, एल्युमिनियम है और फ्लोरीन भी है, तो Na3AlF6, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है, एक फ्लोराइड ओर ऑफ एल्युमिनियम, इस तरह का होता है, इसके अंदर से भी एल्युमिनियम निकलता है, ज़मीन के अंदर से ये सारे पत्थर निकलते हैं, क्रायोलाइट निकलता है इस तरह का, इसमें भी एल्युमिनियम होता है, इससे भी आप एल्युमिनियम को रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं इससे, हम इससे नहीं करेंगे, हम तो उसी से करेंगे जिससे बुक में किया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेट ओर। सल्फेट ओर का क्या मतलब है बच्चों, किसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, कल बताया था सल्फेट SO4 ओर। अब इस सल्फेट ओर सबसे मशहूर कौन सा है, एल्युमिनियम का एलोनाइट। एलोनाइट का फॉर्मूला पूरा पोटेशियम की तरह ही है। पोटेशियम क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2O। K2SO4 है, Al2SO4 होल 3 है, 24H2O के बजाय 4AlOH3 है, बस इस तरह से डिफरेंस है। 24H2 हटा देने पोटेशियम को तो ये बन जाएगा, 4AlOH3 लगा देते, ये होता है हमारे पास एलोनाइट। ये भी पत्थर है, देख रहे हो पत्थर ही, और क्या है, ज़मीन से निकलता है, इससे भी एल्युमिनियम निकाल सकते हैं।
मतलब डायरेक्टली इसके अंदर एल्यूमिनियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते सर इसकी क्या हम दरवाज़ा बना लेंगे खिड़की बना लेंगे, नहीं ये पत्थर है और कुछ नहीं है, इसमें से निकालना पड़ेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। इन्हीं को ओर्स कहा जाता है। इस तरह से लास्ट है हमारे पास ऑक्साइड ओर्स। ये हमारे पास जो है ना बच्चों, ये हमारे पास है ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स से मुराद जिनके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में ऑक्सीजन होगा। इसको इस तरह याद रखें, BGDC मतलब बैकग्राउंड डायरेक्ट करंट, ऐसे कुछ भी कर लो, मतलब BGDC बैकग्राउंड डायरेक्ट करंट, कुछ भी अपनी तरफ से बना लो, तो BGDC याद कर लो। BGDC क्यों याद करने को कह रहा हूँ, चूँकि B से हो गया बॉक्साइट, G से हो गया हमारे पास गिबिसाइट, D से हो गया हमारे पास डायास्पोर और C से हमारे पास हो गया कोरंडम। तो ये हमारे पास चार तरह के ओर्स हैं। अब सबके फॉर्मूला सेम है, बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है, सब फंस जाते हैं। सबका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग है। जैसे कि बॉक्साइट के अंदर तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते, तो NH2O। गिब्बिसाइट के अंदर थोड़ा कम होता है, 3H2O। और डायस्पोर के अंदर सिर्फ और कम होता है, उसके पास होता है सिर्फ H2O और उसके पास होता ही नहीं है। इस तरह से याद रखना, NH2O फिर 3H2O फिर H2O फिर 0H2O। तो है सब L2O, है सारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन डिफरेंस सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बताया था कल आपको मैंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहता है ना, ये सब में अलग अलग। तो फॉर्मूला देखो, नाम तक अलग अलग हो गया सबका। तो बॉक्साइट, गिबिसाइट, डायस्पोर, कोरंडम, उसमें से जो बॉक्साइट है ना, दिस इज द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा दुनिया में एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है और हम लोग इसी से पढ़ेंगे, बुक में भी इसी से निकालना है, ठीक है। तो ये बॉक्साइट आपको दिख रहा है यहाँ पर, रेडिश ब्राउन टाइप का है बॉक्साइट है, जमीन से निकलता है, इसी से एल्यूमिनियम ज़्यादातर निकालते हैं। अच्छा, बॉक्साइट के अलावा गिबिसाइट का है, ये रहा गिबिसाइट। ये गिबिसाइट ऐसा है Al2O3.3H2O। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पत्थर ज़मीन से निकलते हैं, इसकी पूरी स्टडी होती है, इसके लिए पूरी अलग ब्रांच है, जियोलॉजी एक फील्ड है यूनिवर्सिटी में होती है, जियोलॉजी की, जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं वो, यूनिवर्सिटी में होती है ना जियोलॉजी की, जियोलॉजी से ही पढ़ते रहते हैं पत्थरों के बारे में, ज़मीन के बारे में कि क्या 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 पत्थर निकलते हैं, बहुत अलग स्टडी है उसमें। डायस्पोर, ये डायस्पोर इस तरह का होता है, बड़ा डायमंड टाइप का होता है, खूबसूरत सा होता है, चमकदार होता है, दिस इज डायस्पोर, ये भी ज़मीन से निकलता है, ठीक है। Al2O3.H2O, ये इसको हम ऐसा जेम्स वगैरह नगीने के तौर पे लगा सकते हैं, अंगूठियों में लगा सकते हैं इसको। कोरंडम, बहुत सारे कलर, कोरंडम जो है ना Al2O3, वो तो बहुत कलर में अवेलेबल होता है, वो ग्रीन भी होगा, वो रेड भी होगा, वो ब्लू भी होगा, वो येलो भी होगा, ये सारे जेम्स के तौर पे इस्तेमाल कर, जेम्स मतलब अंगूठी में इस्तेमाल करते हैं नगीना के तौर पे, मतलब इसको जैसे एमरल्ड, एमरल्ड ग्रीन टाइप का स्टोन होता है ना एमरल्ड, और इस तरह से रूबी, इसको रूबी डायमंड भी कहा जाता है नॉर्मली, रूबी रेड टाइप का होता है स्टोन, ये भी लगाते हैं बहुत सारे लोग अपने अंगूठियों में, रूबी स्टोन, और ओरिजिनल बहुत महंगा आता है ये, वरना आर्टिफिशियल तो कोई भी बना लेता है। और ये है सफ़ायर, जिसको उर्दू में नीलम कहा जाता है, नीलम, नीलम पत्थर है ये, तो ये ब्लू कलर का होता है, ये भी बड़ा खूबसूरत होता है, सफ़ायर, सफ़ायर स्टोन, और सफ़ायर कलर भी कहा जाता है, ब्लू टाइप का होता है। और ये है टोपेज को उर्दू में कहते हैं पुखराज, पुखराज या पखराज कहा जाता है इसको, ये येलो टाइप का होता है स्टोन, ये भी लगाते हैं किसमें भाई, अंगूठियों में। तो बहुत सारे होते हैं लोग जिनको इस पर यकीन होता है कि अंगूठियों पहनने से किस्मत खुलती है, क्योंकि वो हॉरोस्कोपी होती है ना, उसमें लिखा होता है आपका लकी पत्थर ये है, याकूत है, तो नीलम है, तो पुखराज है, तो वो कुछ लोग पहनते हैं ना लक के लिए पहनते हैं। बट क्या सही क्या गलत, आई डोंट नो इसका असर होता है कि नहीं होता लाइफ में, बट लोग पहनते हैं ऐसा मैंने देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहना करते थे पत्थर, पहना करते थे वो पहना करते थे अकीक, अकीक पहना करते थे, अकीक भी एक पत्थर है, ठीक है। तो सुन्नत भी, सुन्नत के तौर पर कुछ लोग पहनते हैं अकीक पत्थर को, लेकिन गोल्ड नहीं पहन सकते, गोल्ड और सिल्वर नहीं, वो मना है मर्दों पर, मतलब वो तरीका है उसका पहनने का,
गर्ल्स कुछ भी पहन सकते हैं सर, मतलब ठीक है समझे। तो एल्यूमिनियम के ओर समझ में आ गए, तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर्स हैं, कुछ मैंने सिलिकेट ओर्स बताए, फ्लोराइड ओर बताया और सल्फेट ओर बताया, और ये ऑक्साइड ओर्स है। क्लियर है सारी बातें? तो मसला BGDC याद रख लो, बॉक्साइड, गिबिसाइड, डायस्पोर, कोरंडम, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन किस तरह की जाएगी, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ओर से किस तरह निकाला जाता है, तीन स्टेप होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में बता दो तीनों स्टेप। पहला स्टेप होता है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। जब बॉक्साइट से निकलता है ना, ज़मीन से निकलता है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मतलब ये देखो, ये रहा बॉक्साइट Al2O3.NH2। बच्चों ये है बॉक्साइट, लेकिन ज़मीन में दबे रहने की वजह से क्या हो गया है, उसके ऊपर धूल मिट्टी चिपक गई है ना, इम्प्योरिटीज इसके ऊपर आकर चिपक गई है। धूल मिट्टी ऊपर से लगी होगी ना इसके ऊपर, इस धूल मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। इनको कहा जाता है गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं जो कहा है भाई इस ओर के ऊपर लगी हुई। वो इम्प्योरिटीज दो तरह की हो सकती है बॉक्साइट के लिए, या तो वो होगी Fe2O3, या तो वो होगी SiO2, या तो दोनों भी हो सकती है। तीन तरह का बॉक्साइट और ज़मीन से निकलता है, एक में Fe2O3 होते हैं इम्प्योरिटी के तौर पे, एक में सिलिका होता है SiO2, और एक में दोनों होता है। अब तीनों तरह के बॉक्साइट और को प्योरीफाई करने का तरीका अलग है। सबसे पहले तो आपको ये रेत यहाँ से हटानी है, तो उसके लिए हम बॉक्साइट की प्योरीफिकेशन करेंगे, तो उसमें Fe2O3 सिलिका दो तरह की इम्प्योरिटी हो सकती है। तीन तरह के मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे, हॉल्स मेथड, बायर्स मेथड, सर्पेक्स मेथड, तीन तरह के मेथड यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो हॉल्स, बायर्स, सर्पेक, हॉल्स मेथड का भी यूज़ करेंगे जब दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़, जब बोथ दोनों इम्प्योरिटी मौजूद हो तो हॉल्स मेथड यूज़ करेंगे। बायर्स मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ फेरिक ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी हो, Fe2O3, और सर्पेक्स मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसे याद कर लो क्या हो गया, सिलिका, जब सिलिका होगा तो सर्पेक मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड इस्तेमाल होंगे डिफरेंट टाइप के इम्प्योरिटीज़ के लिए, दोनों के लिए अलग, सिर्फ Fe2O3 के लिए अलग और सिलिका के लिए अलग। अब करते हैं क्या क्या, रिएक्शन कंप्लीट नहीं बता रहा, वो जब मैं नेक्स्ट क्लास में मंडे की क्लास में करूँगा ना, सेकेंड ईयर की स्पेशली, एप्टीट्यूड की नहीं, उसमें मैं रिएक्शन करवा दूँगा, चूँकि एप्टीट्यूड वालों में किसी काम का नहीं है जो यहाँ बैठे हुए समझिए, तो आपके लिए काम के उसको आपको लिखा दूंगा बाकी। ठीक है, रिएक्शंस, चूँकि एप्टीट्यूड के अंदर रिएक्शंस नहीं आते हैं, सिंपल सी बात है। तो हॉल्स मेथड में सिर्फ बस याद रखें कि इसमें हमें सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराना पड़ता है बॉक्साइट ओर, तो ये क्या होता है, रिफाइन हो जाता है। बायस मेथड में क्या करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, और सर्पेक्स मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम रिएक्शन करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। बस याद रखें कि किस किस से रिएक्शन कराया जाता है किस मेथड में, बायस मेथड में किससे रिएक्शन कराएंगे, हॉल्स में किससे, और सर्पेक्स में किससे। इन तीनों में एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा बच्चों, एंड प्रोडक्ट ये आएगा कि Al2O3 आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा, मतलब प्योर स्टेट में मिल जाएगा, जिसमें कोई ना Fe2O3 का कोई पार्टिकल होगा, ना सिलिका का कोई पार्टिकल होगा, ना कोई रेत होगी, ना कोई जंग लगा होगा उसको। अब स्टेप टू पर ले जाएंगे उसको, बस समझ में आ गया। स्टेप वन में क्या हुआ, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव किया, जो ऊपर से उसके ऊपर धूल लगा हुआ था या जो उसके ऊपर रस्टिंग हुई भी थी Fe2O3, उसको अलग किया। तीन में से किसी एक मेथड से, हॉल्स, बायर, सर्पेक, एप्टीट्यूड के लिए तो नहीं याद रखें, हॉल, बायर, सर्पेक, हॉल में क्या यूज़ करें, बायर में क्या, सर्पेक में क्या, याद हो गया, तो मसला तो नहीं है। ठीक है, रिएक्शंस नहीं लिख रहा, वो साइलेंटली बोरिंग सा हो जाएगा, वो अभी मैं नहीं बता रहा, वो इंटर वाले होते रहे, वो एप्टीट्यूड को बोरिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है। स्टेप टू में क्या करेंगे,
इसलिए एप्टीट्यूड वाली क्लास ज़्यादा पसंद आती है, उसमें कोई बोरिंग चीज़ें नहीं होती। वो नॉर्मली क्या इंटर में वो रिएक्शन लिखते रहो, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। एप्टीट्यूड में ये सब ही बस इन्फॉर्मेशन लेते रहो, ख़त्म करो। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होता है, अब जो AL2O3 आ गया, जो AL2O3 आते हैं ना हमारे पास बच्चों, उसको बोलते हैं एलुमिना, प्योर स्टेट में आ गई, सारी धूल मिट्टी अलग हो गई, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या हो गया बच्चे, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एलुमिना की। अच्छा देखो, प्योर स्टेट में जब आपका ओर आ जाए ना, उसको दो तरह से सेपरेट आउट किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आयरन और एल्युमिनियम में आयरन को रिफाइन करने का प्रोसेस सस्ता है, एल्युमिनियम को रिफाइन करने का प्रोसेस महंगा है, ऐसा क्यों, पहले इस पर बात करते हैं फिर बताता हूँ ये डायग्राम क्या। देखो हमारे पास कोई भी ओर आ जाए ना, कोई भी हमारे पास ऑक्साइड ओर आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो जैसे कि कोई मेटल आ जाए और फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, समझना है मेरी बात को, कोई भी हमारे पास मेटल आ, कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाए, इसी तरह से होगा, वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ये XYZ, ये मेटल है प्लस चार्ज पे, इसको ज़ीरो लाना है, तो मेटल को प्लस चार्ज से ज़ीरो करना है, ज़ीरो से प्लस से ज़ीरो पे लाने का मतलब हमने क्या कर दिया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दिया, कम करें ना, प्लस से ज़ीरो पर लेकर आना, फ्री स्टेट में आ गया मेटल ये, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने क्या कर दिया यहाँ पर इसकी भाई, रिडक्शन कर दी भाई। हर मेटल की ओर के साथ यही करना होता है, प्योर स्टेट में आ जाए तो आपको रिडक्शन करनी पड़ जाती है, जैसे कि Fe2O3 है और Al2O3 है। अब इसका चार्ज प्लस 3 है, इसका भी चार्ज प्लस 3 है, अब इसको अगर ज़ीरो करना है तो इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, इसके भी रिडक्शन करनी पड़ेगी, रिड्यूस करना पड़ेगा ना, दोनों कंपाउंड्स में रिडक्शन करनी पड़ेगी। अब रिडक्शन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है आसान और सस्ता और पुराना मेथड, कोयला डाल दो इसके अंदर, कोयला डालो, कोयला मतलब ये कार्बन सी, ठीक है, तो कोयला डालो और कोयले डाल के गर्म कर दो, हीट कर दो, क्या होगा, CO के साथ रिएक्शन करके कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या कर देगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन को अलग कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो Fe+CO2, ये लोहा अलग हो गया, अब बनाना से जो बनाना है, सस्ता मेथड कोयला, कोयला कोयला कौन सा बहुत महंगी चीज़ है भाई, आपको बताया था मैंने पिछली क्लासों में। इसी वजह से इंसान लोहे का इस्तेमाल अभी से नहीं कर रहा, हज़ारों साल पहले से कर रहा है। आपको पता है आयरन एज कब आया दुनिया में, आयरन एज कब आया, आयरन एज दुनिया में 4000 साल पहले, 4000 साल पहले इंसान लोहा बनाना जानता था, हैरतअंगेज़ बात है, 4000 साल पहले तो कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, उनको किसने बताया लोहा, चूँकि उनको ये नहीं पता होगा कि इस रिएक्शन से लोहा बन रहा है, पर उनको ये पता था कुछ तो बन रहा है, जिसको वो इस्तेमाल करते थे अपने हथियार के तौर पे। मोहनजोदड़ो में भी खुदाई हुई थी तो मेटल वेपन्स निकले थे उसके अंदर से, पढ़ा है ना बचपन में मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो क्या कितनी पुरानी तहजीब है, 4500 साल पुरानी है, उसके अंदर से भी मेटल की वेपन्स निकले थे, तो उनको किसने सिखाया था लोहा बनाना, ये इंसान जानता था कि ज़मीन से ऐसा कोई पत्थर निकले उसको डिक्ची में डालो या किसी मिट्टी के डिक्ची में डालो, कोयला डालो और आग लगा दो उसमें, जब पिघल जाए तो अलग कर लो और उसको सूखने छोड़ दो, उसको सूखने छोड़ दो, वो लोहा बन जाएगा, और अगर उसको इस्तेमाल बनाना है तो ज़ोर ज़ोर उसमें हथौड़ा मार के चिपटा करके तलवार बना के शिकार पे निकल जाए। ये इंसान 4000 साल पहले जब इंसान जाहिल था, जब इंसान जंगलों में रहता था, तब भी उसको ये करना आता था, और हमें आज नहीं आता ये करना हमारे बच्चों को, उसको पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, वो इंसान जंगलों में रहने वाले बंदों को इतनी केमिस्ट्री आती थी भाई, कॉन्सेप्ट तो था ना कि ऐसे लोहा बन जा रहा है, हमारे बच्चों तो Fe में फंसा हुआ है, हमें इन चीज़ों में फंसा दिया, और रियल में करके दिखाओ ना, सिंपल सी बात है, ऐसे क्या समझ में आता है, क्या चल रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये Fe ABCD बचपन में पढ़ रहे थे, अभी भी ABCD हमें इंटरेस्टिंग बना ही नहीं गया ना केमिस्ट्री हमारे लिए बच्चों को, तो हमें कहाँ समझ में आएगा क्या चल रहा है, जबकि ये तो 4000 साल पहले इंसान कर रहा था, फिर करने की चीज़ है ना केमिस्ट्री, पढ़ने की चीज़ सुनी ना,
वो तो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ इसको बैठ के, तो अभी बोरिंग सा हो जाता है। मतलब मैं जब पढ़ा रहा होता तो मैं असल में दिमाग कर रहा होता हूँ ऐसा हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो इसलिए मुझे तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन आप उतना इमेजिन नहीं कर पाते हो जितना मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये तो सस्ता आइटम है भाई, कोयले से हो गया, लेकिन ये काम आप इसके साथ नहीं कर सकते। आप बोलो सर इसके साथ भी कर लो, इसके साथ मिलकर एल्यूमिनियम अलग, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में एक सीरीज हमने पढ़ी थी, इसका नाम था ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपने फर्स्ट ईयर में मेरे लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब के थ्रू तो फिर आपने शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहाँ से ECS। उसमें उसका निमोनिक, उसमें एक सीरीज चलती है पूरी लंबी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर पर प्यार भरी छापा। ठीक है, तो लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा। ये होता है ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्यों है, क्यों याद किया मैंने उसको? सर ये तो उल्टा पुल्टा बट क्यों याद करके बैठे हैं आप, काम आता है केमिस्ट्री में, बैठ सी बात है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है असल में, जैसे एक्चुअली ECS बोलते हैं, फेडरल बोर्ड में इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज, सिंध बोर्ड उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कौन सी चीज़ रिएक्शन करेगी कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ कार्बन गिर सी, ओके सॉरी बन जो करे ये रहा, ये कार्बन है, ओके। अब देखें बच्चों, ये रहा कार्बन, इधर पर ये सी दिख रहा है। अब सी से ऊपर जितने भी है ना, दे आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन, और सी से जितने नीचे जितने भी है दे आर लेस रिएक्टिव देन कार्बन। तो कार्बन इन सब के ऑक्साइड्स को तो डिस्प्लेस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इनको कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो जैसे ये कार्बन इस ऑक्सीजन के पास आएगा, अब आयरन इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आयरन मतलब छीनना चाहे, कार्बन आएगा ऑक्सीजन को छीनना चाहेगा इससे। अब आयरन की ताकत देखो, आयरन तो कम ताकतवर है, तो वो बेचारा उसको बचा ही नहीं पाएगा, वो छीन के निकल लेगा कार्बन, आयरन अलग। अब यहाँ देखो, ये कार्बन आया इस ऑक्सीजन को छीनने के लिए, क्या अब ये एल्यूमिनियम रोक पाएगा इसको, कार्बन को, मतलब क्या छीनने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर स्ट्रॉन्गर है, मोर रिएक्टिव है, तो फौरन से उसको 2-3 थप्पड़ मार के बाहर भेजेगा, बोला निकलो बेटा तुम्हारा काम नहीं है यहाँ। इस तरह ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, इस तरह केमिस्ट्री चलती है, कुछ भी रिएक्शन नहीं हो जाता बिला वजह। तो इसका मतलब जो सस्ता मेथड है वो फॉलो नहीं हो रहा, तो फाइनली किस महंगे मेथड पे आना पड़ता है, और महंगा मेथड कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था जब बिजली आई तो आया महंगाई, इसमें तो बिजली नहीं चाहिए, कोयला चाहिए, कोयला डाले गर्म कर लो, कौन सा बिजली लगी? कोयला डाले गर्म करने में कोई बिजली तो नहीं चाहिए ना आपको, इसमें चाहिए। और जब करंट यूज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो बिजली का बिल भी आपसे ही लेंगे कंपनी वाले, एल्यूमिनियम के रेट को बढ़ा के, सही है। तो अब एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग कैसी होगी? अभी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, समझ में आ गई बात? कि क्यों आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में रिफाइन करते हैं, भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर, और एल्यूमिनियम को क्यों इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किया जाता है? चूँकि उसको किसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, अब ये जो सेल है ना, ये पूरा सेल पे आता है, अब डायग्राम देखो। हॉल हेरॉल्ट प्रोसेस, हॉल हेरॉल्ट प्रोसेस इसको कहते हैं, चूंकि ये पूरा जो सेल है ना हॉल हेरॉल्ट सेल कहलाती है, साइंटिस्ट के नाम पर। हॉल एक साइंटिस्ट था, एक हेरॉल्ट था, हॉल हेरॉल्ट सेल। ये किस चीज़ से बना होता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये एक स्टील का एक आयरन वेसल है, लोहे का एक वेसल बना हुआ है, लोहे का एक ये पूरा टैंक है, और इस पर कार्बन लाइनिंग कर दी गई है, मतलब कार्बन के ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, ग्रेफाइट के ब्लॉक लगा दिए गए, बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया गया, ये पूरा कैथोड हो गया, और डिप कर दिया गया, कार्बन के रॉड डिप भी कर दिए गए, और बैटरी के प्लस से जोड़ के इनको एनोड बना दिया गया। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, बैटरी होगी,
होगा ना भाई, और इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, बैटरी तो कहीं लगी होगी, और ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला गया। अब इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या डाला गया, सिर्फ Al2O3 नहीं, एलुमिना के साथ क्रायोलाइट और फ्लोस्पारी भी डाला गया। ये पूरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर तैयार किया गया। सर ये दो चीज़ क्यों डाल दी भाई, चुपचाप से Al2O3 डाल लेते हैं एलुमिना, इसी को करना था ना भाई, Al2O3 में एलुमिना ऑक्सीजन अलग करना, डाल देते एक Al, एक अलग एनोड पे जाता है, कैथोड पे जाता है, काम खत्म हो जाता। वजह क्या थी, क्रायोलाइट रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलुमिना टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज Al2O3। क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है 950 डिग्री पर। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, याद है जब हम डाउन सेल पढ़ रहे थे, तो NaCl के साथ हमने CaCl2 मिक्स किया था। वो क्यों मिक्स किया था, मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो हो रहा है कि क्रायोलाइट के साथ Al2O3 डाला जा रहा है। ये Al2O3 क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को 1200 डिग्री से घटा के 950 डिग्री कर देगा। हाई टेम्परेचर पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे जब उसको मेल्ट करेंगे तो जो एल्यूमिनियम बनेगा ना वो एवोपोरेट हो जाएगा। एवोपोरेट होने से भाप बन के उड़ जाएगा, वो तो ज़ाया हो गया। दैट्स वाई हमें कम टेम्परेचर पर मेल्ट करना है, और इम्प्योरिटी क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देती है। इसलिए क्रायोलाइट को एज एन इम्प्योरिटी डाला गया ताकि एलुमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जाए। ठीक है सर, इसका तो मामला हल हो गया, ये क्यों डाला, फ्लोस्पार तो सब बता रहे हैं भाई, ये देखो मेरा लेक्चर अधूरा तो कभी होता नहीं है। फ्लोस्पार, फ्लोस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, BaF2। फ्लोस्पार इंक्रीजेस फ्लूडिटी, फ्लूडिटी किसे कहते हैं, फिसलन, फिसलन फ्लूडिटी, मोबिलिटी भी कह सकते हैं, फिसलने की तरह। चूँकि जो एल्यूमिनियम बनेगा ना बच्चों हमारे पास, वो यहाँ यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ जाके चिपक जाएगा। अब यहाँ यहाँ से निकाले कैसे, फ्लोस्पार क्या करेगा, उसको लुब्रिकेंट के तौर पे काम करेगा, और ये सारा यहाँ से फिसलते फिसलते स्लाइड करते करते ना, स्लाइड करते करते यहाँ से बाहर निकलेगा। तो फ्लूडिटी के लिए फ्लोस्पार डाला, मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्रायोलाइट डाला, और ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डालना ही था। तो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे बच्चों, तो Al+3 आइंस भी होंगे और ऑक्सीजन -2 आइंस होंगे। नेगेटिव आइंस कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बन के बाहर, और पॉजिटिव आइंस कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये पूरा कैथोड है हमारे पास, है ना भाई, नेगेटिव है ना पूरा, ये इधर उधर चले जाएंगे, और यहाँ से एल्युमिनियम मेटल बनने के बाद स्लाइड करते हुए बाहर निकल जाएंगे। आगे एल्युमिनियम मेटल आपका प्योर, Al2O3 में से Al अलग हो गया, तो 99% प्योर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड थ्रू दिस प्रोसेस, 99% प्योर हो जाता है इस प्रोसेस से। बट हमें इससे ज़्यादा प्योर करना पड़ता है, हमें और प्योरिटी चाहिए। अब क्यों भाई, इसमें क्यों नहीं खुश है भाई, 99 बहुत होता है, लेकिन 99 में भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें 99 में भी बेहतर नहीं होती। कभी कोई कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे किसी भी चीज़ पे कभी कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल किया है होगा, अगर 99 पे रुक जाए तो क्या डाउनलोड हो जाता है, बहुत बार ऐसी होता है 99 पे जाके एरर दे देता, नहीं होगा, दिमाग ख़राब हो जाता है। शुरू में बोल रहे थे 1% पे नहीं होने वाला भाई, बंदे ने गेम इंस्टॉल किया आधा घंटा दो घंटा बैठे, 99 पे जाके बोला नहीं होने वाला, स्टार्ट नहीं होगा। तो 100 होना ज़रूरी है चीज़ों का ना, 99 पे भी काम बनता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे, 99% से आगे, 99.99% तक या 100% लग से कह लें, हम उसको उतना प्योरीफाई करेंगे। तो तीन स्टेप हैं एल्युमिनियम के मेटलर्जी में, तीन स्टेप है। पहले स्टेप पे क्या किया, उसमें से इम्प्योरिटी रिमूव की, दूसरे में इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्युमिनियम अलग किया 99%, और थर्ड स्टेप में 99% को लगभग 100 ही है, 99.99%, 0.001% की तो इतनी अहमियत नहीं है। इतने परसेंट एल्युमिनियम में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये अलग सेल होता है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा बस। हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके थ्रू हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, बस आप थोड़ा सा याद रख लें, तीन लेयर होती है इसके अंदर, तीन लिक्विड लेयर होती है इसके अंदर, ये पूरा हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें तीन लिक्विड लेयर है। सबसे नीचे वाले लेयर में, सबसे नीचे जो लेयर होती है, सबसे नीचे जो लेयर चल रही है, उसके अंदर क्या है,
99% प्योर एल्यूमिनियम है जिसको बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। बीच वाले लेयर में इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पार डाला गया, और सबसे ऊपर वाले लेयर में प्योर एल्यूमिनियम है जिसको कैथोड से नेगेटिव से जोड़ा गया। मतलब ये आपका यहाँ पर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर कहीं पर ये आपका पॉजिटिव से जुड़ा होगा, दिख तो नहीं रहा मुझे, चलो मैं खुद लगा देता हूँ, पॉजिटिव से, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो दिस इज Al2O3 एल्यूमिनियम 99%, दिस इज 100% प्योर एल्यूमिनियम, एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, सिंपल कुछ याद करना है कि 99.99% प्योर करने के लिए हम हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें तीन लेयर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। सबसे नीचे वाले लेयर में याद रखें जो आपके 99% प्योर एल्यूमिनियम है, बीच वाले में इलेक्ट्रोलाइट है जो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, और सबसे ऊपर वाले में क्या है हमारे पास 100% प्योर एल्यूमिनियम है। थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है कि जो ये 99% प्योर एल्यूमिनियम है ये 100% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, जिसको हम यहाँ से ऊपर से सेपरेट आउट कर लेते हैं, ऊपर से अलग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रिएक्शंस में ना जाएंगे, प्रोसेस क्या चला होगा इसके अंदर, ठीक है। सिंपल पॉइंट्स याद रखें उसके अंदर हमारे पास कि इसमें क्या चीज़ हो गई हमारे पास, कि क्योंकि वो प्रोसेस काफ़ी डिटेल फिर हो जाएगा, वो डिटेल हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे नहीं, आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं पूरा एक वन शॉट लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ ओवरऑल 8 बजे तक, कंप्लीट चैप्टर क्लोज कर दें, सही है। एप्टीट्यूड के लिहाज से क्या पूछा जाएगा ईकेट एमडीकेट वगैरह में, कि 99% प्योर एल्यूमिनियम को फर्दर प्योरीफाई कैसे करेंगे, होप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, तीन लेयर्स होंगे, तीनों लेयर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिहाज से अलग अलग होंगे, डेंसिटी के लिहाज से अलग अलग होंगे, तीनों लेयर मिक्स नहीं हो जाएंगे, तीनों लिक्विड लेयर हैं लेकिन मिक्स नहीं हो रहे आपस में बिकॉज ऑफ डेंसिटी, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, देखा है ना आपने, तेल और पानी डाल दो अलग अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड, तो ये सिंपल लेयर इसलिए अलग होता है, तो ये डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से लेयर अलग अलग बनेंगे। तो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है कि ये 99% प्योर एल्यूमिनियम यहाँ से अपनी इम्प्योरिटी छोड़ता है, वो ऊपर आता है और 100% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यहाँ से सेपरेट करके प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से एल्यूमिनियम को रिफाइन किया जाता है, तो मसला समझ में आ गई बात, अच्छा। फिजिकली क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एल्यूमिनियम की, सबने देखा है एल्यूमिनियम की चीज़ों का, एल्यूमिनियम के बर्तन और चीज़ें, ब्लूइश वाइट मेटल है, वाइट कलर का होता है बट ब्लू से एक शेड आ रहा होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह आपने देखे होंगे नॉर्मली घर पर होते हैं, उस पर ब्लूइश वाइट मेटल है विद सिल्वरी लस्टर विच इज़ डिस्ट्रॉयड बाई ऑक्साइड फॉर्मेशन। अच्छा, जब सिल्वर बिल्कुल नया होता है ना, जब इंडस्ट्री से निकला हुआ होता है, बिल्कुल चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है सिल्वर एकदम स्टील की तरह, लेकिन बाद में वो चमक खत्म हो जाती है उसकी एल्यूमिनियम की, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। चूँकि एल्यूमिनियम के साथ है, एल्यूमिनियम की जो लेयर है ना उसमें एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके Al2O3 बना लेता है और उसकी चमक खत्म कर देता है और लेयर जम जाता है ऊपर से। लेकिन ये लेयर एक तरह से फ़ायदेमंद भी होती है, क्यों, क्योंकि अब ये लेयर कोरोजन को रोक देती है फर्दर, इस लेयर की वजह से जंग भी नहीं लगता एल्यूमिनियम में, तो एक तरह से ये लेयर नुकसानदार तो है कि उसका चमक खत्म कर रही है, लेकिन फ़ायदेमंद इसलिए कि जंग लगने से रोक दे रही है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जा रही है, ठीक है, इसलिए ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, जंग नहीं लगता इसमें। ये भी MCQs में आएगा, एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर अमोनल कहलाता है, जो एक एक्सक्लूसिव है। अमोनल किसे कहते हैं, अमोनल, अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं ना, और मिक्स करने के बाद जब इसको जलाते हैं तो ब्लास्ट होता है, एल्यूमिनियम पीसा हुआ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट के साथ जब मिक्स किया जाता है तो एक ब्लास्ट होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजिव, ये अमोनल कहलाता है। तो पेपर में आएगा अमोनल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैश, तो बता देना कि किस चीज़ का मिक्सचर है, तो एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर है, सही है, दिस इज़ द अमोनल, ये एक्सप्लोजिव है, धमाका खेज मवाद है, बॉम बनाते हैं इससे। एल्यूमिनियम के कुछ अलॉयज भी होते हैं,
तो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे एल्युमिनियम की, ब्लूइश वाइट मेटल है, सिल्वरी लस्टर, लस्टर मतलब सिल्वर जैसी इसकी चमक होती है जो ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से ख़त्म हो जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब इसमें कोरोजन नहीं होता। क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज रस्ट रेजिस्टेंट? क्या ये भी लिखा जा सकता है कि इसमें रस्टिंग नहीं होती? ये तो कह रहे हैं कि इसमें कोरोजन नहीं होती, लेकिन क्या ये कह सकते हैं इसमें रस्टिंग नहीं होती? ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ये रस्टिंग नहीं होती इसमें, नहीं कह सकते। रस्टिंग इज द फिनोमिना विच इज ओनली फॉर आयरन। Fe को जब हवा में रखोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो Fe2O3 बनाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड रस्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग तो रस्ट तो रस्टिंग तो तभी होगा ना जब रस्ट बनेगा, और रस्ट तब बनेगा जब आयरन होगा। एल्युमिनियम के केस में Fe2O3 ढूंढना बन रहा है, वो तो ये बना रहा है, तो ये रस्ट थोड़ी ना है। तो उसको हम लोग जस्ट बोलेंगे कोरोजन, कोरोजन हो रही है, रस्टिंग नहीं बोल सकते। रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए, जंग सिर्फ लोहे में लगता है, एल्युमिनियम खराब होता है, हम ये बोल सकते हैं। जंग लगना नहीं बोल सकते हम उसको, लोहे के अलावा किसी भी मेटल में जंग नहीं लगता, खराब तो होते हैं और मेटल, बट जंग नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जंग एक ब्राउन कलर का पाउडर है, ब्राउन टाइप का पाउडर है जो सिर्फ लोहे के सरफेस पे जमा होता है जब उसमें हवा या पानी लगता है, अगर आप उसको बिना पेंट के छोड़ दो तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, अलॉय किसे कहते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज अलॉय, बता दे, जल्दी बता दे, जोर से बोलेंगे तो आवाज़ आएगी, गला भी बंद है और कान भी थोड़ा बंद है। अलॉय किसे कहते हैं? अरे यार बहुत मुश्किल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है अलॉय। दो या दो से ज़्यादा मेटल अगर मिल जाए उसको हम कहते हैं अलॉय। जैसे आयरन के साथ निकल या क्रोमियम मिल जाए तो स्टील बन जाता है, स्टील एक अलॉय है। तो हर मेटल के अलॉय होते हैं, तो एल्युमिनियम के दो अलॉय हैं, एल्युमिनियम ब्रोंज और ड्यूरालूमिन। कंपोजिशन याद रखिए, ये इसकी कंपोजिशन है, 10% एल्युमिनियम, 90% कॉपर, इसको अलग बोलते हैं एल्युमिनियम ब्रोंज, इस अलॉय का नाम है। एक होता है सिर्फ ब्रोंज, यार याद रखना बच्चों, एक होता है सिर्फ ब्रोंज होता है, वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है जिसको हम लोग कहते हैं कांसी, कांसी का तमगा होता है ना, ब्रोंज मेडल थर्ड पोजीशन पे देते हैं ब्राउन कलर का, वो सिर्फ ब्रोंज है। और ये एल्युमिनियम ब्रोंज, ये अलग चीज़ है, इसमें एल्युमिनियम होता है कॉपर के साथ, इससे हम क्या बनाते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्डन कलर का होता है ये, इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना भाई, शोपीस ज्वेलरी टाइप की होती है, गोल्ड नहीं होता, गोल्ड जैसा लग रहा होता है, सस्ता मिल जाता है नॉर्मली, वो तो वो इमिटेशन ज्वेलरी कहलाती है, नॉर्मली शोपीस के तौर पर उसको, मतलब नॉर्मली सॉल्स वगैरह में जो नहीं लगाते ईद के दौरान मिल रहे होते हैं, गोल्डन टाइप के, गोल्ड जैसा लग रहा होता है बट गोल्ड होते नहीं है, तो वो असल में एल्युमिनियम ब्रोंज होता है, ठीक है। और ड्यूरालूमिन, ड्यूरालूमिन क्या है, 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% निकल, चार मेटल मिलाकर बनेगा इस परसेंटेज पर ड्यूरालूमिन। और इससे क्या बनाते हैं भाई, इट इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं इससे, हवाई जहाज़ की बॉडी मतलब इससे बनाई जाती है, हवाई जहाज़ की जो पूरी बॉडी होती है ना ऊपर की, पूरी बॉडी, ठीक है, तो उसको बनाया जाता है, पूरी बॉडी से मरा जिसमें मेन एरिया जो होता है ना, जिसमें लोग बैठते हैं, ये जिसमें इस तरह का एरिया नहीं होता उसका, जिसमें लोग बैठते हैं, इसको फ्यूजलेज कहते हैं, फ्यूजलेज। तो फ्यूजलेज का जो एरिया होता है ना पूरा, जिसमें लोग बैठते हैं, उसकी जो पूरी वो बना होता है ड्यूरालूमिन से।
लेकिन पहले बनाया जाता था, मतलब जहाज़ की कंपनी आपको पता है बोइंग है, बोइंग जो है वो जहाज़ की कंपनी है और बोइंग के बहुत सारे मॉडल हैं। तो बोइंग 777 तक ड्यूरोलेमिन से बनाया जाता रहा। 777 के बाद जितने भी जहाज़ आए ना, उसके बाद 797 है, 787 है, बहुत सारे बोइंग के बाद, तो वो सारे के सारे अब कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं। अब मेटल इस्तेमाल नहीं करते, अब फाइबर इस्तेमाल करते हैं। दौर बहुत आगे जा चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, लेकिन जो पुराने जहाज़ हैं वो सारे के सारे इसे ड्यूरोलेमिन से बनाए जाते थे। उनकी बॉडी पाकिस्तान में ज़्यादातर 777 ही है। 30 तो फ्लाइट है पीआईए के पास, 30 जहाज़ है टोटल, 30 और एम्प्लॉय है 20,000 पीआईए के पास, और जहाज़ सिर्फ 30 है। जहाज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, एम्प्लॉय काटने की ज़रूरत है, नहीं समझे? हम लोग उल्टा करते, जहाज़ कम करते हैं, एम्प्लॉय बढ़ाते रहते। पहले होता ना पीआईए का पहले लोगो था, कम फ्लाई विथ अस, अब होता है कम डाई विथ अस, मतलब ज़्यादातर वो क्रैश कर जाता है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर पीआईए की फ़्लाइट को उतरने की याद भी नहीं, मतलब मना करते हैं पीआईए की फ़्लाइट नहीं उतरेगी यहाँ आप, मतलब उनके उसके लिहाज से नहीं, स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखो यही पीआईए था जो 1960s में जो है ना वो एशिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन कंपनी थी, द बेस्ट एयरलाइन इन एशिया पीआईए जब ये बना था। तो उस वक्त कहा जाए कि पहली वाहिद पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन थी जो कराची से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट जाया करती थी, वरना एशियन और दूसरी को फ्लाइट डायरेक्ट कराची टू न्यूयॉर्क नहीं जाती थी सवाई पीआईए की। तो वो ये वो बात थी, एमिरेट्स को स्टार्ट करने वाला पीआईए था, एमिरेट्स को पीआईए ने अपने प्लेन्स दिए थे स्टार्टिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पीआईए ने अपने इंजीनियर्स भेजे थे वहाँ सिखाने के लिए एमिरेट्स के लोगों को, ताकि वो सीख जाए और ताकि आज देखे एमिरेट्स कहाँ है और पीआईए कहाँ। वो तो हम तो बनाने वाले इदारे को, लेकिन हमारा ये हाल दुनिया जानती है, अफसोस करती है उस हाल पर हमारे कि ये पाकिस्तान को क्या हो गया। बता तमाम कंट्री यूँ जाती है ना, यूँ ग्राफ ऊपर जाता है, हमारा ग्राफ यूँ जाता है, उल्टा हिसाब चल रहा है, दिन ब दिन ऊपर जाने की वजह नीचे जा रहे होते हैं। चलो ये तो ऐसी ही बातें, तो इसलिए तुम लोग पढ़ लो भाई, तुम लोग कुछ कर लो पाकिस्तान के लिए अच्छा, लेकिन हमारा बच्चा भी पढ़ता है इसीलिए कि अपनी ज़ात अच्छा कर लो, उसको कौन सा पाकिस्तान अच्छा करने के लिए पढ़ना है, हम भी तो इसीलिए पढ़ते हैं मेरी ज़ात अच्छी हो जाए बस, पाकिस्तान जैसा है वैसे ही रहा, मसला नहीं, यही तो पाकिस्तान के साथ मसला है। बहुत अच्छा पढ़ लोगे तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाओगे कहीं, पाकिस्तान को थोड़ी ना सर्व करोगे, सिंपल सी बात है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस किसे कहते हैं, ये एल्युमिनियम से लिंक कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की। थर्माइट रिएक्शन में हम ये शो करेंगे कि एल्युमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे जितने भी मेटल्स होते हैं ना, सारे मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, अपनी वैल्यू से बढ़ाते हैं और जिसके साथ रिएक्शन करते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा सामने वाले को रिड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। थर्माइट रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक से मुराद कि जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी खारिज होती है, मतलब बंद कमरे में अगर अंधेरा करेंगे तो पूरा कमरा रोशन कर देगी, ये पूरा हॉल रोशन कर दे, पूरा स्टेडियम रोशन कर दे, स्टेडियम में कर दो तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हमारे पास होता है। कैसे होता है थर्माइट रिएक्शन, कि हम इसमें एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं Fe2O3 के साथ। तो एल्युमिनियम आपको पता है इसको रिड्यूस कर सकता है, चूंकि एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने आपको बता दिया, लिस्ट में एल्युमिनियम ऊपर है आयरन नीचे है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा Fe को अलग कर देगा, तो अब यहाँ देख लो एल्युमिनियम का चार्ज 0 से +3 हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, और आयरन +3 से फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। तो इसने क्या किया, अपने आप की वैलेंसी बढ़ा ली और सामने की वैले की वैलेंसी कम कर दी, तो एल्युमिनियम साबित हुआ यहाँ पर कि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी खारिज होती है, दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम लोग
वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल्डिंग पर्पसेस के लिए पुराने वक्तों में इसी थर्माइट प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता था। अब तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग ये सब आ गई है। पुराने वक्तों में थर्माइट रिएक्शन करते थे वेल्डिंग करने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए बहुत हाई एनर्जी हीट खारिज करते थे। तो थर्माइट एक मिक्सचर होता है रस्ट का, रस्ट मतलब ये Fe2O3 और एल्यूमिनियम का, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा देता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इतने टेम्परेचर से क्या होता है, कोई भी लोहा पिघल सकता है, तो वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, लोहे को काटना, लोहे का पीस है उसको काट दिया आपने, ये हो गया वेल्डिंग। और जोड़ने को क्या बोलेंगे, जुड़ता भी तो है वेल्डिंग से, लेकिन जोड़ने को वेल्डिंग नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्जिंग। फॉर्जिंग वेल्डिंग अलग प्रोसेस है, फॉर्जिंग अलग प्रोसेस है, पहले काटते हैं फिर जोड़ते हैं, वेल्डिंग एंड फॉर्जिंग दोनों मिक्स होते हैं। चलो दोनों ही कर सकते हैं सर, बस आप सिर्फ वेल्डिंग लिखना, ऐसे ही बता रहा था आपको। अच्छा फिर अब एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलम, फिटकरी, सुना होगा आपने एलम। एलम क्या है बच्चों, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट से मिलकर बनता है, दो सिंगल सॉल्ट से। जैसे डोलोमाइट बताया था पिछली क्लास में, डोलोमाइट एक डबल सॉल्ट है, एक डबल सॉल्ट है। दे आर डबल सल्फेट ऑफ मोनोवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट मेटल एटम्स कंटेनिंग 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डबल सॉल्ट होता है, अच्छा इसके एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इस तरह का फॉर्मूला होता है M2SO4.M2SO4 whole 3.24H2O। ये रहा एलम, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एलम। ये कोई भी मेटल है जिसका चार्ज हमारे पास है +1 मोनोवेलेंट, और कोई भी मेटल है इसका चार्ज हमारे पास है +3। जैसे ये 1A ग्रुप का हो गया, ये 3A ग्रुप का हो गया। अब इसी में K2SO4 कर दो और Al2SO4 कर दो तो पोटेंशियल एलम बन जाता है। तो एलम बहुत तरह के होते हैं, एलम सिर्फ पोटेंशियल एलम नहीं होता है, एलम एक सीरीज होती है पूरी एलम की। तो एलम क्या है, डबल सल्फेट्स है, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब +1 वैलेंसी वाले, और ट्राईवेलेंट एटम दोनों के सल्फेट हैं, और 24 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ये कहलाएगा एलम। सही है, बस इतना याद रखें। और अगर एलम को हीट करेंगे 200 डिग्री पर तो क्या होगा, इसका सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाएगा 200 डिग्री पर, और ये एक अमरफस सॉलिड बन जाएगा। अमरफस मतलब अमरफस जैसा, पाउडर जैसा बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बर्न्ट एलम। बर्न्ट एलम मतलब जली हुई फिटकरी। वैसे नॉर्मली फिटकरी क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल होती है। फिटकरी देखा है आप लोगों ने, यार तुम लोगों ने असल में कुछ नहीं देखा है, मसला तो ये भी है, बोलते हुए भी डर लगता है। देखा है फिटकरी, देखी है, शुक्र है अल्लाह तेरा कि कुछ देखा है तुम लोगों ने। फिटकरी से एक तो पानी साफ करते हैं, वो तो यूज़ करते ही, उसमें टंकी वगैरह में डाल लेते हैं, ये तो वो इस्तेमाल होता है फिटकरी का। दवाइयों वगैरह में कट लग जाए, चोट लग जाए तो उसमें लगाते हैं फिटकरी, बार बार से इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे बार बार से। हाँ बिल्कुल, नाई वगैरह होते हैं ना, वो बाल काट रहे होते हैं कभी तो कट लग जाते हैं कहीं पर, तो वो फ़ौरन से क्या करते हैं, वो पत्थर जैसा उठा के रगड़ देते हैं वहाँ पर, तो वो फिटकरी होती है एलम, उसी को एलम कह रहे हैं। दिस कंपाउंड एंटीसेप्टिक होता है वो, मतलब उससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ताकि वो जल्दी से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, दैट्स वाई। तो उसी को वो तो होता है क्रिस्टल जैसा होता है, अगर आप देखो क्रिस्टल जैसा लग रहा होता है, देखने में तो मिश्री लगता है, लेकिन टेस्ट मिश्री जैसा नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, खांड ही नहीं लगे, मतलब मीठा लगता है कि वो बड़ा मीठा सा कुछ चीनी जैसा कुछ है, लेकिन वो बड़ा कड़वा सा होता है, कसैला टेस्ट होता है उसका। तो वो फिटकरी होती है, उसको जब 200 डिग्री पे हीट करोगे पाउडर जैसा बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बर्न्ट एलम। बस समझ में आ गई बात यहाँ तक, और कहानी नहीं सुना रहे, इतनी कहानी बहुत है, क्लियर है यहाँ तक। एलम के बारे में तीनों पॉइंट समझ में आ गए, तीनों पॉइंट समझ में आ गए पक्का सबको, टेस्ट में आएगा तो बताना है, ये नहीं कि इसमें छोड़ देना है। नहीं समझ में आया घर जाके 2 बार 3 बार 4 बार लेक्चर को पढ़ना है, रिवाइज करना है, वीडियो देखते रहना जब तक डाटा पैकेज खत्म नहीं हो जाए आपका। वाईफाई वाले बोले भाई बंद कर दो, लेकिन आपको देखते रहना दिमाग, मतलब कॉन्सेप्ट जब तक नहीं है आपको छोड़ना नहीं है,
अभी शर्माते हैं पूछने से, घर जाके तो नहीं शर्माओ ना, घर जाके देखो 4 बार 5 बार 10 बार, कौन मना करता है। तभी तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, ताकि आप अभी जैसे नहीं पूछेंगे दोबारा बताइए सर, दोबारा बताइए, हमारे बच्चों में शर्म है, दोबारा नहीं पूछेंगे ये, पता नहीं जैसे टीचर खा जाएंगे उनको, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आप 10 बार मुझे पीछे कर दो, आप 100 जब मैं आगे जाऊँ पीछे कर दो मुझे, मैं तो गुस्सा भी नहीं करूँगा उसमें आप पे, हर बार वहीं से शुरू हो जाऊँगा जहाँ से आप बोलेंगे। तो YouTube के अंदर टीचर ताबेदार होते हैं आपके, जहाँ से बोलोगे वहाँ से शुरू हो जाते हैं, रियल में टीचर ऐसे नहीं है, रियल में गुस्सा हो जाता है, ये थोड़ी ना कि यहाँ से पकड़ के यूँ कर दिया मुझे, क्लास में बैठे बैठे यूँ कर दिया सब पीछे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जदीद दौरे इस्तेमाल करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एलोट्रोपी, अब यहाँ से कार्बन का टॉपिक शुरू होगा, एल्युमिनियम ख़त्म, तो बोरोन ख़त्म, बोरिक एसिड ख़त्म, बोरेक्स ख़त्म, एल्युमिनियम ख़त्म और एलम ख़त्म, समझ में आ गया सर। अब है एलोट्रोपी, एलोट्रोपी किसे कहते हैं, एलोट्रोपी का मतलब होता है बहरूपियत, बहरूपियत, बहरूपिया पता है किसे कहते हैं, बहरूपिया कौन सा बंदा होता है जो बहरूपिया होता है, जो रूप बदल के आता है, जो अपना रूप बदल ले, जो अपना चेहरा बदल ले, वो बहरूपिया है। फिल्मों में देखते हैं ना, बैंक डकैती करने के लिए कोई बंदा जाता है तो चेहरे में मास्क लगा देते हैं, मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट देखिए ना, तो उसमें क्या होता है, वो एक जोकर जैसा मास्क लगा लेते हैं, पूरे बैंक को लूट लेते हैं, तो वो सारे एलोट्रोप्स हैं, वो सारे बहरूपिया हैं। बहरूपिया क्यों कहेगी उन्हें, कि उनकी असल आइडेंटिफिकेशन सामने नहीं आ रही है कि वो बाहर है कौन लोग। सेम यही फिनोमेना केमिस्ट्री में अब लाते हैं उठा के, केमिस्ट्री में भी कभी कभार ऐसा होता है कि एक एलिमेंट रूप बदल बदल आपके सामने आता है और आप मानने से इनकार कर दोगे कि यार ये तो वही है। जैसा कि मैं आपको पेंसिल के नोक दिखाऊं और बोलूं कि ये कार्बन है, आप मान लोगे हाँ ठीक है सर कार्बन है, ग्रेफाइट होता है ना, ठीक है। फिर कल मैं आपको दिखाऊं डायमंड, हीरा, और बोलो बेटा ये भी कार्बन है, अब आप नहीं मानोगे, अब बोलोगे सर हो ही नहीं सकता, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है पेंसिल की नोक और हीरे में, पेंसिल की नोक सस्ती है, हीरा इतना महंगा है, पेंसिल की नोक ब्लैक कलर की है, वो ट्रांसपेरेंट है, पेंसिल की नोक इतनी भद्दी है, डायमंड इतना खूबसूरत है, पेंसिल इतना सॉफ्ट है, डायमंड इतना हार्ड है, पेंसिल की नोक जो है वो जो है कागज़ पे खींच रहे हैं तो निशान बन जा रहा है, लेकिन डायमंड पे नहीं बन रहा, कागज़ की खींचते निशान उसका, तो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, ये कैसे, दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अगर एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा डिफरेंट जो है ना वो अगर फीचर्स के साथ एग्जिस्ट करें, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करें, दिस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। कार्बन के जैसे एलोट्रोप्स होते हैं, सल्फर के एलोट्रोप्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के एलोट्रोप होते हैं, अलग अलग शक्ल में अवेलेबल होते हैं। पेंसिल की नोक है तो वो भी कार्बन है, हीरा है तो वो भी कार्बन है, और अगर आपका कोयला है तो वो भी कार्बन है, सब कार्बन है। तो ये एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप सब के होते हैं। यहाँ पर हम एलोट्रोपी किसकी डिस्कस करने वाले हैं, अभी कार्बन की करने वाले हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यूज में आ सकता है, एलोट्रोपी इन कंपाउंड्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। देखो एलोट्रोपी का जो फिनोमिना है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एलिमेंट के लिए है बस। अब एलिमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एलिमेंट, सिंगल एटम, सिंगल एलिमेंट, जो एक अल्फाबेट हो, जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, जैसे फॉस्फोरस, इनके अंदर एलोट्रोपी होगी। और अगर कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, मान जैसे कि CaCO3, यही मार्बल भी है और यही चौक भी है, क्या फ़र्क है दोनों में, क्या मार्बल और चौक में फ़र्क है, नहीं फ़र्क है। स्कूल में जो बोर्ड में चौक से लिखते हैं वो चौक और जो मार्बल फर्श पे लगता है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है ना, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। अब ये नहीं कहेंगे चौक और मार्बल एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज ये एक कंपाउंड है। हम ये कहेंगे दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स हैं, पॉलीमॉर्फ्स। ये बच्चे बड़ा गलती कर देते हैं इसमें,
तो एलिमेंट्स के लिए एलोट्रोपी है, और यही फिनोमिना कंपाउंड्स में आ जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म है। पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म, पढ़ तो सब लिया, समझा रहा हूँ आज, पढ़ के तो पता नहीं क्या क्या आ गए तुम, ज़्यादा ही पढ़ के आ गए तुम, अब सिर्फ समझना है, ठीक है ना, समझ लो काम पूरा हो जाएगा। चूँकि कराची बोर्ड वाले चाह रहे हैं कि बस बच्चा समझे ही, रटना छोड़ ही दे, कराची बोर्ड वाले ये चाह रहे हैं स्टूडेंट से, थोड़ा थोड़ा करके ना वैसा बना रहे हैं, 40% किया ना अगले 50-60% कर देंगे, 80% कर देंगे, ऐसे ऐसे करके वो ले जाएंगे उस तरफ, क्योंकि करना भी था ना, आज नहीं तो कल तो होना था, ये दुनिया का जो रूल है वो तो लगाना था, दुनिया चल रही है कॉन्सेप्ट पे तो पाकिस्तान क्यों ना चले, तो आज नहीं तो कल तो होना था, तो अच्छी बात है आज हो रहा है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को क्या करें जो बचपन से उसी एक सेट मेंटेलिटी से पढ़ते हुए आए हैं, उनके लिए तो मसला है, जिनको सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए याद करने के लिए, वो कैसे करेंगे, उनको लिए फिर वही है कि कॉन्सेप्ट बनाए भाई, कुछ ज़्यादा टाइम भी पेपर में बहुत टाइम है, अभी ये बन सकता है, रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें, समझे, लेक्चर्स देखें, लेक्चर्स को समझे। कभी मैं नहीं बोलता आपसे पेपर में, कभी आप खड़े होकर नहीं बोलता बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ना लिख देना पेपर में, तो ये अजीब सा लगता है, डायलॉग ही अजीब है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी चीज़ है, ठीक है, मतलब आप समझ लो जितना आपको लगता है टाइम मैनेज हो सके उतना लिख देना, ये तरीका है। तो पत्थर पे लिखे सुन रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो नंबर आएगा और उसके आगे नहीं आएगा, हर टीचर अपनी बात कर रहे होते, किसकी बात सही है, इस तरह जिस तरह से तमाम टीचर की बात सही है ना, उस तरह हर स्टूडेंट का दिमाग सही है जो अपने तौर पर वो सोच रहा है, जिस तरह दो टीचर की राय बराबर नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद दोनों ठीक हैं, इस तरह टीचर और स्टूडेंट की राय में फ़र्क हो सकता है और दोनों ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आए तब ना, उसको तो लगता है नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे, तो ये नहीं करना है। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, इसके कितने एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्या फर्क है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में, एक फर्क बता दे उस, क्रिस्टलाइन चीजों में और अमॉर्फस चीजों में क्या फर्क होता है, जस्ट अ सिंगल डिफरेंस आई वॉन्ट। एक डिफरेंस बस, ऐसा तो 10 है, एक चाहिए। अमॉर्फस पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ओके यस राइट करेक्ट। अगर कोई बोले ना एक डेफिनेशन बताना है तो उसमें बताना पता है क्या होगा, क्या बताना चाहिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसा कि ये एक फिक्स पैटर्न है, इस फिक्स पैटर्न में अरेंज हो, क्यूबिकल ऑर्थोरॉम्बिकल किसी एक फिक्स शेप में। और अमॉर्फस फॉर्म में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स किसी भी तरह से ना किसी भी तरह से आड़े तिरछे किसी तरह से अरेंज हो सकते हैं, कोई फिक्स यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं बन रहा होगा। तो दो तरह के एलोट्रोप्स होते हैं, अगर पार्टिकल्स किसी शेप में है फिक्स तो क्रिस्टलाइन, और अगर शेप फिक्स नहीं है तो फिर अमॉर्फस। ठीक, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप कितने हैं भाई, 3 हैं, एक हमारे पास है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या है भाई, बकी बॉल। बकी बॉल, डायमंड ग्रेफाइट तो पढ़ना ही है डिटेल में, बकी बॉल देख लो, डायमंड ग्रेफाइट पर तो अभी आगे स्लाइड आने वाला है। बकी बॉल के बारे में क्या जानते हैं, जो भी जानते हैं बता दें, जो भी पता बता दें, जो आप जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, कोई एक लाइन कुछ भी जो आप बताना चाहें, एक पॉइंट, नहीं सुना नाम कभी बकी बॉल, फर्स्ट टाइम सुना, अच्छा इसी को हम लोग कहते हैं, इसको एक और नाम कहते हैं बक मिनिस्टर फुलेरिन भी इसको हम कहते हैं, बक मिनिस्टर फुलेरिन, बकी बॉल दोनों नाम इसी का है। बकी बॉल इसलिए कहते हैं कि इसका जो शेप होता है ना बॉल की तरह से अरेंज होता है, ये पूरा एक सॉकर बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह अरेंज होता है, और इसमें कार्बन के 60 कार्बन एटम्स क्या करते हैं,
कार्बन के 60 एटम्स इस तरह से बॉल की सूरत में अरेंज हो जाते हैं, तो C60 इसका फॉर्मूला होता है। और याद रख लीजिएगा कि इट इज़ द ओनली आर्टिफिशियल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का आर्टिफिशियल एलोट्रोप है, मतलब इसको बनाया जाता है, मैन मेड है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। बाकी डायमंड ग्रेफाइट तो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, एमरफस एलोट्रोप, एमरफस में भी आप मान लो चलो तीन है, एमरफस में भी तीन देख लो, तीन है, एक हमारे पास है कोल, एक हमारे पास है चारकोल और एक हमारे पास है लैम्प ब्लैक। कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक किसे कहते हैं? लैम्प ब्लैक तो होता है काजल, स्याही नहीं होती है, काजल, जिसको जो आंखों में काजल लगाते हैं वो भी कार्बन है, इसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक। चारकोल, चारकोल किसे कहते हैं? रेस्टोरेंट का नाम है दो दरिया में, वो भी है चारकोल। असल में क्या है, चारकोल कोयले को कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, बच्चे कोल को कोयला कह रहे होते हैं, कन्फ्यूजन में क्लियर कर देते हैं। चारकोल दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है वुड चारकोल और क्या होता है, एनिमल चारकोल। जो वुड चारकोल होता है ना, ये असल में वो चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोयला। ये वो कोयला है जिसको हम लोग बारबेक्यू में इस्तेमाल करेंगे भाई, अभी आएगा ना बकरीद आएगा, उसमें इस्तेमाल करेंगे। बारबेक्यू लगता है ना भाई, लगता ही होगा, तो उसमें हम नॉर्मली सीख कबाब वगैरह लगाते हैं, हम तो स्पेशली लगाते हैं चूँकि हमारी स्पेशलिटी है सीख कबाब की, ठीक है। उसका नाम होता है बिहारी बूटी कबाब, तो माई सेल्फ आई एम अ बिहारी, दैट्स वाई वी आर स्पेशलिस्ट इन मेकिंग दैट। बाकी लोग भी बनाते हैं बट हम जैसा नहीं बना सकते। तो हमारे यहाँ तो बहुत लगता है, डेली बेस पर लगता है, तो उसमें बहुत कोयला इस्तेमाल होता है बिहारी बूटी कबाब बनाने में। तो वो होता है वुड चारकोल, वो कोल नहीं होता, दिस इज वुड चारकोल। जो किस कैसे बनता है, लकड़ी जलाने से, लकड़ी जला दे बन जाएगा, यही है ना। और एनिमल चारकोल किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, जानवरों की हड्डियां जलाने से बनता है, ये बोन्स जलाने से, जानवरों की हड्डियों को जलाएंगे ना तो हड्डी का जो सुरमा होता है, एक तो होता महाव्रतन होता है, मार मार के हड्डी का सुरमा निकाल दूंगा, ये तो महावरे में बोलते, इतना मारूंगा हड्डी का सुरमा बन जाएगा। तो हड्डी का सुरमा असल में भी होता है जानवरों की हड्डी का सुरमा, जिसको जलाने से बनता है, मतलब वो हड्डी मतलब जल के वो कोयला जैसे बन जाती है, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं डीकलराइजेशन में, पेट्रोलियम जली से कलर रिमूव करने के लिए और ब्राउन शुगर से कलर रिमूव करने के लिए। पेट्रोलियम जली देखा है, वैसलीन, ठीक है। तो पेट्रोलियम जली कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम के फाइनल प्रोडक्ट होता है वो, जब पेट्रोल रिफाइन करता है आखिर में वही बचता है, पेट्रोलियम जली आता है, वो बिल्कुल ब्लैक होता है, डामर ही होता है वो एक तरह का, बिल्कुल ब्लैक होता है, जेट ब्लैक। बट स्किन को तो अप्लाई कर नहीं सकते उसको, आप स्किन ब्लैक हो जाएगी पूरी। तो वो क्या करते हैं, एनिमल चारकोल उसमें डाला जाता है, एनिमल चारकोल क्या करता है, उसको डीकलराइज कर देता है, वाइट कर देता है ब्लैक से, इसलिए वैसलीन वाइट हो जाता है, समझ गए। और दूसरा और पिंक वगैरह किसी भी कलर का कर सकते हैं आप उसको, बिल्कुल इस तरह से। ब्राउन शुगर, चीनी, अब चीनी के बारे में भी आप जानते हैं कि चीनी गुड़ से वो चीनी जो है वो शुगर केन से बनता है, गन्ने से, तो पहले गुड़ बनता है वो, और गुड़ क्या होता है, ब्राउन शुगर होता है और चीनी का कलर नहीं होता, तो उसमें भी एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है। तो एनिमल चारकोल क्या करता है, वो कलर ब्राउन शुगर से रिमूव करके उसको कलरलेस कर देता है, इसलिए हमारे घरों पर कलरलेस चीनी आती है। लेकिन चूँकि वो किस जानवर की हड्डी इस्तेमाल कर रही है हमें नहीं पता, दैट्स वाई डॉक्टर्स मना करते हैं चीनी इस्तेमाल करने से ज़्यादा, खासतौर पर ये वाला, बोलते हैं गुड़ इस्तेमाल कर लो, चीनी नहीं करो, चीनी नुकसानदार बोलते हैं ना भाई, बहुत से लोग चीनी नहीं डालते, गुड़ डालते, पठान से वगैरह ज़्यादातर जो होते हैं वो तो गुड़ यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो लोग क्या चीनी डालते हो, चीनी वैसे नुकसानदार तो है, बेसिक सी बात, चलो तो अलग बात है। अब आते हैं कोल, क्या कोल देखा है किसी ने कभी, कोल नेचर में एग्जिस्ट कर देखा है कभी खुद रियल में,
अभी कोयला नहीं है, वो तो चला गया वहाँ पे, टॉपिक ख़त्म हो गया उसका। कोल क्या चीज़ है? नॉर्मली आप लोग कोल तो उसी को समझते थे, बारबेक्यू वाली चीज़ को, बट वो कोल होता नहीं। हमारे यहाँ जो है ना बच्चे कोल को मैजिक कोल कहते हैं, हमारे यहाँ कोल बच्चे मैजिक कोल कहते हैं। शीशा देखा है? शीशा, शीशा जो होता है उसके ऊपर कोल रखा जाता है, वो चकोर सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, कभी देखा है उसको? हुक्या जो होता है ना, हुक्के के ऊपर जो रखते हैं, फॉइल पे रखते हैं, वो क्या चीज़ होती है? वो होता है कोल असल में, और उसकी हीटिंग मैजिक कोल के नाम से कहते हैं, वो कोल ही होता है, तभी तो कितना देर तक चलता है वो। नॉर्मल कोयला डालो और वो मैजिक कोल आप 6 घंटा रख दो उसको, 6 घंटे तक वो चलता रहता है, 3-3 घंटे भी चल जाता है, तो वो असल कोल है। कोल की हीटिंग कैपेसिटी बहुत होती है, बट महंगा भी तो बहुत होता है, इतना सा पीस लोगे। अब कोल आप लो 20 रुपये का, इतना आपको दे देगा वो, 100 रुपये का इतना सा आपको देगा, काम भी वैसे ही करें। तो कोल बहुत कम अवेलेबल होता है, कोल ज़्यादातर पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं, बिजली बनाने के लिए। पुराने ज़माने में स्टीम इंजन चला करते थे ना, वो रेलगाड़ी वगैरह जो धुआं निकलता था सायरन मारने वाली, देखा कार्टून्स वगैरह में, तो उसके अंदर कोयला डलता था, टॉम एंड जेरी वगैरह किसी कार्टून में देखा हुआ, वो बेलचे से डालते थे कोयला उसके अंदर उठा उठा, वो ये वाला कोल होता था, और बेलचे से उठा के कोयला डाले होते तो अंदर आग लग रही होती थी, फिर ट्रेन आगे जा रहा होता था, वो होता था कोल। उसका शेप गोल पत्थर जैसा होता था, वो ये जो कोल होता है ना वो पत्थर जैसा होता है, पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त होता है, बहुत देर तक जलते रहते हैं, और जो वुड चारकोल होता है वो तो नरम सा होता है, ऐसे टूट जाएगा, तो वो जलता भी देर तक नहीं है। तो बेटा अमरफस एलोट्रोप कोल के बारे में ना डिस्कशन यहाँ का है नहीं, कोल चारकोल ये सब की डिस्कशन कहाँ है आपकी चैप्टर 6 में, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पढ़ा लो डिटेल में। हमें यहाँ पर मेन पढ़ना है डायमंड और ग्रेफाइट, इसकी डिटेल समझ लें, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा था, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था आगे के चैप्टर्स की, बस समझ में आ गए। तो अब डायमंड ग्रेफाइट की डिस्कशन करते हैं, कोई मसला इस पूरे स्लाइड में, कुछ भी मसला, क्योंकि बस 15 मिनट है क्लास ख़त्म हो जाएगी, 3 घंटा हो जाएगा पता ही नहीं लग रहा, चैप्टर का तो आधा भी नहीं हुआ ही है, बकी बॉल बता दो, चलो दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए बकी बॉल की रिपीटेशन करता हूँ, कि बकी बॉल किसे कहते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बक मिनिस्टर, साइंटिस्ट का नाम था बक मिनिस्टर, उनको घर में प्यार से सब बोलते थे बकी, उनका पेट नेम था बकी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बक मिनिस्टर ने बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, कार्बन के 60 कार्बन एटम्स हेक्सागोनल रिंग में अरेंज हो गए थे इस तरह से, देखें जैसे लाइक ऐसे एक हेक्सागोन बना हुआ है, जैसे फुटबॉल में देखा है कभी, फुटबॉल देखा है ना बच्चों, तो फुटबॉल के अंदर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना, यूं करके बना होता है, यूं करके पूरा वो स्क्वायर घुमा हुआ होता है पूरा, कभी सही से देखे ना फुटबॉल को, तो उसमें इस तरह के हेक्सागोन बने होते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, बकी बॉल का। हर एक वर्टेक्स पर क्या होता है बच्चों, एक कार्बन होता है इस तरह से, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, वो फुटबॉल कितना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये 60 कार्बन एटम भी तो बहुत छोटे ही होंगे ना, माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो बक मिनिस्टर ने ये जो एलोट्रोप डिस्कवर किया था, इसका नाम था बक मिनिस्टर फुलेरीन, इसी को उन्होंने बक्की बॉल का नाम दिया था, और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया था। इसका यूजेज इतना कुछ नहीं है, खास इस्तेमाल कुछ नहीं है, मतलब घर पे क्या कहीं पे भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बस ये एक एंटिटी है, ये भी एक एलोट्रोप हो सकता है, ये जैसे एक इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ नहीं, हर चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि हो, कुछ चीज़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज भी होती है। नहीं ना बाकी मैं वो तो मॉलबेटी ना, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ इस्तेमाल नहीं है, मतलब मेरे जानते में तो अब तक कोई बकी बॉल के इस्तेमाल मैंने नहीं पढ़ा ज़िंदगी में, आप पढ़ोगे कभी तो मुझे बना देना, मैंने नहीं पढ़ा अब तक, अपने 14 सालों में तो मैंने एक भी नहीं देखा अब तक इस्तेमाल से, तो उसका मतलब बस एक नॉलेज के लिए है, हर चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं।
अब जैसे एस्टेटिन है, एटी, एस्टेटिन के बारे में बताया था कि एलिमेंट है पूरी दुनिया में, आधा चम्मच है, हाफ स्पून है, रेयरेस्ट एलिमेंट है पूरी दुनिया का, एस्टेटिन जमा कर लोगे तो आधा चम्मच है, हाफ स्पून है, तो क्या इस्तेमाल होगा इसका? हाफ स्पून पूरी दुनिया में मिलाकर है, इस्तेमाल तो उसका कोई नहीं है, तो डिस्कवर क्यों किया गया? जस्ट इस चीज़ को बताने के लिए कि ये भी एक एलिमेंट पॉसिबल है। देखो दो चीज़ें हैं, एक है साइंस और एक है टेक्नोलॉजी, साइलेंट, एक है साइंस एक है टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्या किसी को पता है साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? ये तो बता दो, ये तो आसान सवाल है। जल्दी जल्दी बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है? इतना बेसिक सवाल है, प्राइमरी लेवल का सवाल है। इंटरलिंक तो है, बट डिफरेंस हमेशा एक साथ लिखते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी। देखो साइंस क्या है, साइंस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, दिस इज कॉल्ड साइंस। खुदा ने दुनिया कैसे बनाई, दुनिया काम कैसे कर रही है, ये साइंस है। भले इस नॉलेज को हासिल करके आपको फायदा मिले ना मिले, इसको फर्क नहीं पड़ता। साइंस बस ये जानना चाहती है कि डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना कैसे होते हैं, भले उसको जानने के बाद आपको फायदा ना पहुंचे। और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, साइंस की थ्योरीज को लेकर कुछ ऐसी चीज़ बना दे जिससे लोगों को फायदा पहुंचना शुरू हो जाए, तो वो टेक्नोलॉजी। बस समझ में आ गई, साइंस का जरूरी नहीं है कि हर वक्त कोई फायदा हो, बट टेक्नोलॉजी का फायदा जरूरी है। बस समझ में आ गई ना, तो ये जो बकी बॉल एक साइंस है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि सब तो कुछ बनाया नहीं हमने, जब चीज़ें बनना शुरू हो जाए तो हम उसको टेक्नोलॉजी में डाल देंगे उठा के। बस समझ में आ गई, ये चीज़ है। पहले सिलिकॉन वगैरह, सिलिकॉन जर्मेनियम तो पहले भी ईजाद हुए हुए थे, लेकिन पहले किसी को काम नहीं पता था उसका क्या है, सेमीकंडक्टर का, तो वो बस साइंस थी सिलिकॉन जर्मेनियम पढ़ना। लेकिन जब इसी सिलिकॉन जर्मेनियम से कंप्यूटर के चिप्स बनाए जाने शुरू किए गए, कंप्यूटर के चिप बनाए जाने शुरू किए गए, तो वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। फिर ये फ़र्क है, और हमारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता था ये वाला क्या डिफरेंस है। तो पाकिस्तानी जैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी सोच रहे होते हैं, साइंस सोचते ही नहीं। हम लोग बोलते हैं फ़ायदा होना चाहिए बस, प्रॉफिट लॉस और कुछ नहीं। अंग्रेज नहीं सोचते ऐसा, वो बोलते हैं भाई चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वो देखो एलोन मस्क, पूरा स्पेस एक्स उसका मिशन है। एलोन मस्क अभी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, $44 बिलियन में उसने ट्विटर को ख़रीदा। बट फिर भी देखिए कि इंसान इतना पैसा लगा रहे हैं एक ऐसी चीज़ में जिसका फ़ायदा ही कुछ नहीं। स्पेस एक्स मिशंस जो वो भेज रहा है, वो मार्स में अरबों रुपए लगते हैं, खरबों रुपए लगते हैं, तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन साइंस इसी को कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को ठीक से, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम लोग तो बेवकूफ़ी बोलेंगे, फालतू में कर रहे, इतना रोड बना लेता, हम लोग क्या बोलते हैं, रोड बना देते। अच्छा उनके रोड बने हुए, सारों को ज़रूरत नहीं है, तो उनके ऊपर तो ये वाला डायलॉग नहीं चलेगा, हमारे ऊपर चल जाएगा। अगर हमारा कोई बंदा ये करके ऐसा कर दे तो हम तो उसको बोलेंगे भाई रोड बना दो भाई पहले, फिर ये सब भेजा चांद पे मरीख पे। लेकिन उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनको नीड नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो डायमंड ग्रेफाइट के डिस्कशन करते हैं। पहले डायमंड बताऊँगा फिर ग्रेफाइट बताऊँगा, ठीक है। डायमंड हीरा, हीरा ने हीरा, ठीक है। तो हीरा डायमंड एक बहुत प्रेशियस स्टोन है, नहीं देखा है तो पिक्चर बनाई हुई, वैसे ये तो देखा ही होगा, ठीक है। मैंने बोला कि बच्चे देखे भी कुछ नहीं है तो तस्वीर भी डालते हैं बस साथ। वैसे डायमंड तो पहले से देखा हुआ था ना, ये भी देखा है, पहले से देखा हुआ था। तो डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है भाई, तो पहला तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्रिस्टल है ये, एक फिक्स शेप होता है ना डायमंड का, हमेशा वो शेप दिख रहा है आपको। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, से हार्ड दुनिया में कुछ नहीं है। हाईएस्ट डेंसिटी इसकी है 3.51, इससे ज़्यादा डेंसिटी नेचुरल चीज़ों में किसी चीज़ की नहीं, इसलिए डायमंड कभी टूटता नहीं है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जितना हथौड़ी मार दो टूटता नहीं है। डायमंड को काटने का एक ही तरीका है, डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को हीरे ही काटता है, लोहे को लोहा काटता है, तो वो है डायमंड कट्स डायमंड। सुना होगा आपने, तो डायमंड किसी और चीज़ से नहीं कट सकता सवाई गोल्ड, खुद अपने ही डायमंड से।
तो हार्डेस्ट नेचुरल, अच्छा नेचुरल पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायमंड से ज़्यादा हार्ड है और जो बन चुकी हैं। जैसे मैंने कार्बन फाइबर बताया था ना, कार्बन फाइबर होता है केवलार, इट इज 100 times हार्डर देन डायमंड। डायमंड से 100 गुना हार्ड है ये केवलार, लेकिन ये कार्बन फाइबर है। फाइबर से बराद ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बनाया जाता है इसको। तो फाइबर में बड़ा काम चल रहा है आजकल चीज़ों में, एक 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 फाइबर बनाए हुए, ठीक है। तो नेचुरल में तो हार्ड डायमंड ही रहेगा चाहे कब कुछ भी हो जाए, आर्टिफिशियल में चेंज होता रहेगा जब चीज़ें चेंज होती रहेंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाईएस्ट होता है 2.45, यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे डिफाइन करेंगे? म्यू से शो किया जाता है ना, फिजिक्स के टॉपिक ये तो बता दो। चलो केमिस्ट्री तुम लोगों की ख़राब है, फिजिक्स बताओ। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कहते हैं, बोलो। केमिस्ट्री तो है ही डब्बा ना, छोड़ दो उसको, फिजिक्स बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, डिफाइन करें कैसे भी, अड़ा तिरछा वर्ड में कर दे, मैं समझ जाऊँगा। वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोले? रिफ्लेक्शन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन आंसर। स्नेल्स लॉ पढ़ा है कभी? स्नेल्स लॉ सुना है कभी? सुना है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो जब लेते हैं ना हम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास डायमंड का आता है, याद रखिए, बहुत पूछते हैं इंटर में भी एप्टीट्यूड में भी, 2.45 सबसे ज़्यादा है। और जिस चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ क्या आती है, उसके अंदर ब्रिलियंस ज़्यादा होती है। ब्रिलियंस मतलब उसके अंदर चमक, उसके अंदर लस्टर, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डायमंड में जब रोशनी पड़ती है ना, तो वो हर तरफ से चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है, इस वजह से कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, करंट पास नहीं होता डायमंड से। क्यों भाई करंट क्यों पास नहीं होता, कोई बताएगा? डायमंड से क्यों करंट पास नहीं होता भाई, बोले कोई, कोई बताएगा? व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स व्हाई। क्योंकि यहाँ देखिए मैंने डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया ना, ये एक कार्बन है टेट्राहेड्रल जुड़ा हुआ है, चार कार्बन से, ये देखिए दीज आर द 4 कार्बन, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों से बॉन्ड कर लिया उसने, हर कार्बन को देखिए अगले 4 से बॉन्ड बनाए हुए, ऐसे ही ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन जो है वो 4 से बॉन्ड बनाकर क्या कर रहा है कि उसके पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो फिर करंट कैसे पास होगा? करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा, ये बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सही है भाई। तो इसलिए डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के लास्ट में, चारों से बॉन्डिंग कर लेता है तो बचता ही नहीं है जिसको वो मूव करवा सके। कंडक्टिविटी बात समझ में आ गई। मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। एक्सरे इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर एंड इमिटेशन डायमंड। देखो डायमंड का कारोबार बड़ा मुश्किल काम है, गोल्ड में तो लोग डील कर लेते हैं आराम से, डायमंड में डील करने में हर कोई पीछे हट जाता है। क्यों? गोल्ड को परखना आसान है, गोल्ड को आप सेकंडों में समझ जाएंगे गोल्ड ओरिजिनल है कि नहीं है, डायमंड को नहीं समझ सकते। डायमंड में आराम से इंसान बेवकूफ़ बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो दिखने में बिल्कुल डायमंड जैसे होते हैं, जैसे क्वार्ट्स वगैरह, क्वार्ट्स टोटली डायमंड लगता है। तो अब वो सस्ता होता है, मान लो कि इतना बड़ा क्वार्ट्स है तो वो, अगर क्वार्ट्स पत्थर 1000 रुपये का आ रहा है तो इतनी बड़ा डायमंड आपके पास 10 लाख रुपये का आएगा। अब कैसे चेक करें? चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप जाएंगे ना सदर के साइड पर जाएंगे, वहाँ बहुत सारे बैठे हुए होते हैं डायमंड डीलर्स होते हैं सारे, ज़्यादातर वहीं हैं। तो वो सारे क्या करते हैं, उनके पास एक्सरे मशीन एक होती है, एक मशीन टाइप की होती है, कभी आप देखना, उस मशीन में रख के ना वो आंखों से चेक करते हैं कुछ
बस मतलब गोल्ड डायमंड रखते हैं, माइक्रोस्कोप जैसा होता है उससे कुछ देख रहे होते हैं व्यू करके, वो क्या करते हैं उसमें से एक्सरे पास करते हैं। तो प्योर डायमंड जो होते हैं ना वो एक्सरे पे ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब जैसे अगर एक्सरे पास करेंगे ना डायमंड से तो सारा एक्सरे पार हो जाएगा, सारा एक्सरे और पूरी शीट वाइट हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। लेकिन अगर क्वार्ट्स होगा ना तो जहाँ पर डायमंड होगा ना तो वहाँ पर वाइट स्पॉट आ जाएगा, इसका मतलब ये डायमंड नहीं है। तो क्वार्ट्स और डायमंड का ही डिफरेंस है, एक्सरे के थ्रू होता है कि प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, तो वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है एक्सरे। तो ये तरीका है डायमंड को चेक करने का कि वो वाकई में डायमंड है कोई दूसरा पत्थर तो कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। बड़ी एक्सरे मशीन सबके पास नहीं होती, महंगी आती है, इसे लोग इतने जल्दी ज्वेलर्स वगैरह गोल्ड सिल्वर पे डील करते, डायमंड पे जल्दी नहीं करते, कोई भी नहीं करता, क्योंकि कोई अगर बेवकूफ बना के चला गया तो लाखों रुपये का नुकसान, करोड़ों का नुकसान। ब्लैक, अच्छा डायमंड सिर्फ इस कलर के नहीं होते, डायमंड डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं, हर कलर का डायमंड होता है, रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, सुना होगा ग्रीन डायमंड, हर कलर का होता है। लेकिन महंगा जो है ना वो सिर्फ वाइट डायमंड होता है, ये कलरलेस, ये ज़्यादा खूबसूरत होता है। बाकी डायमंड तो सस्ते मिल जाते हैं आपको, वो डायमंड होंगे लेकिन वो बड़े सस्ते मिलेंगे। जैसे ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड को बोट या कारबेंडो कहा जाता है, ब्लैक डायमंड को हम लोग बोट और कारबेंडो कहते हैं। ये ड्रिलिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने शीशा काटते हुए देखा है किसी को ग्लास कटिंग करते हुए? ग्लास देखा, शीशा कैसे काटेंगे? मैं आपको शीशा दे दूं और मैं बोलूं उसको बीच सादा करना है, एकदम क्लियर, कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे? हथौड़े मार देंगे, कैंची से काटेंगे शीशे को, चाकू से, फिर शीशा दिया मैंने आपको, बोला इसको दो आधा करके ले आओ, कैसे करोगे? क्या दिमाग काम करता है आपका, आप बताएं? पानी के प्रेशर से काटेंगे, वेल्डन काटा जा सकता है उससे, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये तो, वाटर ड्रिलिंग। इसके अलावा बताओ, ये तो है सही है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, पानी का प्रेशर वाला ड्रिल सबके पास नहीं होता ना, छोटे मोटे दुकान है, फर्नीचर वाले, वो कैसे करेगा? तो उसके पास आपने देखा एक नाइफ होती है, कभी आप फर्नीचर वाले के पास जाओ उसके पास एक नाइफ होती है, चाकू जैसी एक चीज़ होती है, आगे ब्लैक सा ना कुछ लगा होता है, डायमंड टाइप का ब्लैक सा कुछ लगा होता है पत्थर, वो स्केल रखेगा और पेन की तरह पकड़ के उसको खींचेगा, बस एक लाइन खींच देगा उसके ऊपर और ठक करके एक दो बार ठक ठक मारेगा, आधा अलग मक्खन की तरह कट जाएगा वो। अब बोलोगे ये क्या जादू हो गया, तो यही जादू है। ग्लास को कटिंग वगैरह करने के लिए ना डायमंड इस्तेमाल करते हैं, बट वो डायमंड कौन सा इस्तेमाल होता है? ब्लैक डायमंड, जो बहुत सस्ता आता है। नाइफ कितने की है? 400-500 रुपये की आती है, खरीद सकते हैं कुछ, मतलब ब्लैक डायमंड कोई इतना महंगा नहीं होता जितना ये होता है, इसको नॉर्मली ड्रिलिंग कटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हार्ड होता है ना तो कट जाता है इसी चीज़। डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कैसे कैसे पता sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्या क्या लॉजिक है, ट्रिक क्या है भाई sp3 जानने की? बताया था ना आपको, कौन बताएगा क्यों sp3 है हर कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भाई? कार्बन को चार बॉन्ड बनाना होगा, चार सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा? sp3। तीन सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा? sp2। दो सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा? यह कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? चार बना रहा है, 1, 2, 3, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हर कार्बन, सिंपल लॉजिक। और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये छोड़ दो, उसको बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी को मसला नहीं, तो नहीं आएगा, छोड़ो, क्लियर? यहाँ तो तुम्हारा समझ आएगी ना, जब इतनी चीज़ें बाकी याद करोगे ना भूल जाओगे पुरानी चीज़, क्लियर है? डायमंड समझ में आ गया, हीरा, कुछ सवाल हीरे के बारे में किसी को? अच्छा डायमंड के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग बात बता दूँ एक दो, एक डायमंड के बारे में ये चीज़ होती है कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि डायमंड टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। नॉर्मली बच्चों के माइंड में होता है ना कि डायमंड इज टॉक्सिक इन नेचर, ये गलत कॉन्सेप्ट है, डायमंड टॉक्सिक नहीं होता। डायमंड चाट लो मर जाएगा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसमें बैंड लग चुका होता, चाटने से मर जा रहा, तो कोई बेचता क्यों? और नॉर्मली औरतें वगैरह, चलो हम नहीं पहनते हैं ना, अच्छा अंग्रेज वगैरह ज़्यादातर डायमंड ज्वेलरी पहनते हैं, अमेरिकन्स, उनके यहाँ गोल्ड का रिवाज नहीं है, वो सिल्वर की अंगूठी बनाएंगे और डायमंड लगा देंगे उसमें। बहुत मुश्किल से आप उनको गोल्ड पहना हुआ देखोगे अमेरिकन्स को, यूरोपियंस भी नहीं पहनते गोल्ड वगैरह। तो उनका एक लॉजिक है कि वो सिल्वर लेंगे और डायमंड लगाएंगे उसके ऊपर, डायमंड ज्वेलरी बहुत पसंद की जाती है वहाँ पर।
तो अब वो हर घर में डायमंड है उनके, बच्चे भी हैं छोटे, अब अंगूठी तो हाथ में पहने हुए कभी रखे हुए, कोई छोटा बच्चा छोटा बड़ा हर चीज़ मुँह में डाल लेता है वो तो, लेकिन तब वो कोई मुँह में उसने चाट लिया तो मतलब एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या सब अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कितनी मौतें हो जाएंगी डेली अगर चाटते ही से मर जाए बंदा उसको, तो मतलब ये, लेकिन तो ये गलत कॉन्सेप्ट है जो लोगों में है कि डायमंड टॉक्सिक होता है। देखिए आपने भी सुना होगा ऐसा डायमंड के बारे में, हीरे के बारे में, और ये कि सोने वो कोयले के कान से हीरा निकालते भी गलत कॉन्सेप्ट है, ये भी सुना होगा कोयले के कान से हीरा निकलता है, गलत है। चूँकि कोयला या कोयला हीरे में कन्वर्ट हो जाता है नहीं, चूँकि कोयले को वैसे मानता हूँ कि कोयला और हीरा दोनों कार्बन है, दोनों सेम एलोट्रोप है, लेकिन कोयले को कार्बन में कन्वर्ट होने के लिए इतना वक्त चाहिए कि इस दुनिया को बने में भी इतना टाइम नहीं हुआ है, इतना टाइम रिक्वायर्ड है, तब जाकर वो इतने करीब करीब आएंगे कार्बन के एटम्स के वो डायमंड बन जाएंगे। तो फिर आया कहाँ से डायमंड, सेम वही स्टार से आया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, साइंस के कहते तो जब जैसे एल्युमिनियम आया था वैसे। सही है बच्चों, बस आखिर ग्रेफाइट करेंगे तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो होगा। ग्रेफाइट पेंसिल की नोक, हर किसी के पास ये तो सस्ती चीज़ है भाई, सबके पास ही होती है। ये भी कार्बन है, एलोट्रोप है उसका, क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डल एंड सॉफ्ट, डल मतलब भद्दा है, इतना प्यारा नहीं जितना प्यारा डायमंड होता है, अजीब सा होता है, भद्दा सा होता है, सॉफ्ट भी होता है, डायमंड के मुकाबले में तो सॉफ्ट ही होता है। सॉफ्ट क्यों होता है रीज़न बताएगा सेम इस, हाँ फिर से बोले, जोर से बोले ना, आवाज़ नहीं आती। ये इसी वजह से सॉफ्ट है जिस वजह से बोरिक एसिड सॉफ्ट है। बोरिक एसिड का क्या बताया था, दो लेयर के बीच में गैप है, इसमें भी दो लेयर्स चल रहे होते हैं ग्रेफाइट के, उनके बीच में गैप होता है कितना, 3.35 एंगस्ट्रॉम का, जिसकी वजह से इजी टू कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं आराम से, तो फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सॉफ्ट किस वजह से होते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में चेक करोगे, अच्छा ऐसे नहीं दिख जाएगा, आप पता लगा घर जाके पेंसिल के नोक को घोरना शुरू कर दिया गैप दिख रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा बहुत कम, 3.35 एंगस्ट्रॉम का मतलब समझते हैं गैप का, 3.35 सेंटीमीटर नहीं कह रहा मैं, ये 3.35 मतलब 3.35 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इतना सेंटीमीटर कह रहा हूँ मतलब। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हो जाएगा, बट ये गैप की वजह से होता क्या है कि ये आराम से दब जाता है, और यही गैप डायमंड में नहीं होता तो वो हार्ड हो जाता है उसके बरक्स। तो बेटा मैंने सेंटीमीटर लिखा, अगर मैं आखिरी के 10 मिनट में होता है क्लास में ऐसा, ठीक है। इसकी डेंसिटी डायमंड से तो कम ही है, 2.2 मतलब सॉफ्ट है तो डेंसिटी कम हो गई, याद रखिएगा। गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली की पास क्यों हो जाती है, इससे करंट क्यों पास हो जाएगा, जल्दी बता जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि यहाँ पर एक मिनट, हाँ सॉरी, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है ना बच्चों, अगर डायग्राम यहाँ पे भी बना देता हूँ कि इसमें एक कार्बन आप देख सकते हैं तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देख लो तो तीन तरफ से जुड़ा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली है हर कार्बन का, हर कार्बन तीन तीन से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, एक लेयर बना देता हूँ ऐसे छोटा सा लेयर, ये देखो ठीक है, ओके, हर कार्बन तीन से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन के तीन बॉन्ड है, हर कार्बन के तीन बॉन्ड है ना, इस कार्बन के तीन बॉन्ड है, इसके तीन है, इसके तीन है, इसके तीन है, इसके तीन, इसके तीन है, सबके तीन तीन बॉन्ड है। तो क्या सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, फ्री हो गया सबके पास एक इलेक्ट्रॉन, डायमंड के पास हो रहा था ऐसा कुछ नहीं, इसकी वजह से वो बैड कंडक्टर था, इंसुलेटर था, और ये गुड कंडक्टर, इसे करंट पास हो जाता है। यकीन ही नहीं आ रहा आपको, आप एक काम करो पेंसिल जाकर स्विच बोर्ड में डाल दो हाथ से पकड़ के, आए गिरा करना नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट यकीन कर लो कि ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, कभी ज़िंदगी में ऐसा करना नहीं वरना करंट मार देगा। वैसे न्यू पेंसिल में नहीं मारेगा करंट, क्योंकि न्यू पेंसिल में बैक पूरा चारों तरफ लकड़ी लगी होती है, हाँ किसी को पेंसिल खाने की आदत है ऊपर से, तो ऊपर से पेंसिल खाओगे तो ग्रेफाइट दिख जाता है ऊपर से, फिर करंट मारेगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ।
तो ग्रेफाइट तो अंदर है ना, लीड लगी हुई अंदर, ऊपर तो लकड़ी है, लकड़ी से तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऊपर से पेंसिल खा जाते, ऊपर से खाते तो वो ग्रेफाइट आ जाता, फिर करंट मारेगा, ठीक है। इट इज़ इनर्ट, इनर्ट मतलब लीस्ट रिएक्टिव होता है ये, और मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो क्या लिखोगे? डायमंड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बोलोगे तो क्या लिखोगे? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोई बता सकता है? यस, वेल डन अरमगान, कोक। और अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन पूछा जाए तो फिर ग्रेफाइट, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रोड्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सेल्स के अंदर हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड के तौर पर, इसी वजह से करते हैं, चूँकि ये रिएक्शन नहीं करता किसी से, तो ये इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करता है। न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। न्यूट्रॉन मॉडरेटर का क्या मतलब होता है? मॉडरेटर का मतलब होता है स्लो डाउन करना, स्पीड को रोकना। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है, कराची में जो न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका क्या नाम है? कराची में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका क्या नाम है? क्या नाम सुना है? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या नाम? क्या होता है उसके अंदर, कैसे बिजली बनती है, कैसे बदल घूम रहा है, यहाँ बिजली कैसे बनाते हैं कि यहाँ तक आ जाती गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 तक, कैसे? एनर्जी तो बहुत तरह से बनती है, वहाँ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर है वो, मतलब उसमें पूरा एक एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, पूरा उसके अंदर एक फिजन चेन रिएक्शन होता है। फिजन चेन रिएक्शन दो तरह का होता है बच्चों, फिजन चेन रिएक्शन एक होता है अनकंट्रोल्ड, जिसको आप कंट्रोल ही ना करें, और एक कैसा होता है? कंट्रोल्ड। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो असल में आपने क्या बनाया हुआ है, आपने नियत की है कि आप क्या बना दोगे? एटम बम। और एटम बम बना के आप दुनिया तबाह कर दोगे। एटम बम के अंदर अनकंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मकसद होता है तबाही मचाना। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा, अमेरिका ने गिराया 45 पर। और कंट्रोल जब होता है ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? पावर जनरेशन करते हैं, मतलब करंट पैदा करते हैं। अब हाँ, जो उसका फ्यूल है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ता है फ्यूल, ठीक है। तो अमेरिका ने हमला इसलिए किया था अफगानिस्तान पर ताकि यूरेनियम मिल जाए, जो फ्यूल है उसका। हाँ, पोलोनियम फ्यूल भी होता है, यूरेनियम डिफरेंट तरह के होते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ोगे उसको, रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के अंदर, वैसे बेसिक बता रहा हूँ। तो ये है यूरेनियम यू, यूरेनियम यू 92-235 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पता है, एक न्यूट्रॉन गन होता है, न्यूट्रॉन फायर करते हैं। जब न्यूट्रॉन फायर करते हैं तो क्या होता है, बीच से टूट जाते हैं, टूट कर दो अलग अलग एटम्स बन जाते हैं। ये पेरेंट न्यूक्लाई है, डॉटर न्यूक्लाई में ब्रेक हो जाता है, फिजन कहते हैं टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है। जैसे माइटोसिस के अंदर हो रहा होता है, सेल डिवीजन के अंदर सेम वही चीज़ होगी। एक क्रिप्टॉन बन जाता है और एक बेरियम बन जाता है, और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, तीनों न्यूट्रॉन हैं, और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी निकल जाती है, खूब सारी हीट एनर्जी निकल जाती है, हीट एनर्जी भी से, और यही हीट एनर्जी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये तीन न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर फर्दर क्या करेंगे, आगे जाके और तीन यूरेनियम से टकराएंगे। यूरेनियम का एक एटम थोड़ी ना होगा, करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में एटम्स होंगे यूरेनियम के। अभी भी तीन से टकराएंगे तो क्या होगा, फिर क्रिप्टॉन बेरियम बनेगा, तीन इलेक्ट्रॉन फिर ये तीन आगे जाए, फिर ये टोटल तीन छः तीन नौ, फिर यूरेनियम से टकराएंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन जनरेट करेंगे, फिर 27 जाकर किससे टकराएंगे, यूरेनियम से। और ये सेकंडों में होगा, पलक झपकने में, और उससे क्या होगा, डिवास्टेशन। इसी को हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन, उसका तबाही, जब एटम बम फटते गए तबाही फैलती भी आगे बढ़ती रहती है, यूं तबाह के गेम वगैरह में कभी आपने देखा होगा, तबाह करते हैं सब, खत्म कर देता है एटम बम। लेकिन हमें कराची में कैनप में तबाह थोड़ी ना करना, कराची को बिजली बनानी है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है,
इस न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है, मॉडरेट कर देता है। जब ये न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होती है तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो जनरेट होता है वो स्लो स्लो जाकर टकराता है किससे, यूरेनियम से। तो बहुत ज़्यादा जल्दी सारी एनर्जी नहीं निकल जाती, वक्फे वक्फे समय थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है, जिससे हम क्या करते हैं टर्बाइन जनरेटर घुमा के कराची के लिए 20 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करते रहे, तो हमारे घर रोशन होता है। ये हो रहा है सच में, ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर इंजीनियर्स होते हैं वो जाकर जॉब करते हैं, आप भी करोगे ना, प्यास एक इदारा है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का, वहाँ से लोग पढ़ के आते हैं, बहुत सारे होते हैं जो वर्क करते हैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर। ऐसे बता रहे हो, बहुत मुश्किल काम होता होगा डिटेल उसकी। तो ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, QSP2 जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाए, ट्राइगोनल शेप होगा, सिंपल सी बात है। और हेक्सागोनल रिंग बन रही होती है, हेक्सागोन जैसी एक रिंग लेयर, बाकी और लेयर सेपरेट किससे होते हैं, 3.35 एंगस्ट्रॉम से, ये बता दिया, बाकी बॉन्ड लेंथ आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें, आज हमने डिस्कस किया बोरिक एसिड, डिस्कस किया बोरेक्स, डिस्कस किया ओर्स ऑफ एल्युमिनम, एल्युमिनम को रिफाइन करने के 3 स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, एलम को डिस्कस किया, उसके अलावा एलोट्रोप्स को डिस्कस किया, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, अमरफस एलोट्रोप्स और डायमंड को, और ग्रेफाइट को डिस्कस किया, उनके प्रॉपर्टी डिस्कस की। तबीयत ठीक होती तो शायद और डिस्कस कर लेते, बट इतना काफ़ी आज के लिए। समझ में आ गई सारी चीज़ें, कोई मसला तो नहीं है, ओके, थैंक यू।